नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे प्रोग्राम में। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस अनोखे प्रोग्राम की। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को साकार करना अपने आप के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके दौरान बहुत सी रुकावटें आती हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी। लेकिन ये रुकावटें होते हुए भी लोगों की चाहत है सफलता, सुख और शांति। पर बहुत कष्ट करने के बाद भी लोगों को ये नहीं मिल पाती, और फिर सभी अपने नसीब को कोसने लगते हैं। मगर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनती, तकदीर तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ नहीं होते। ये सब हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, और ये सब हासिल करने के लिए चाहिए ज्ञान। वही ज्ञान जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। आपके अंदर ही अनंत शक्तियां हैं, जिनका आविष्कार करके उनका सही उपयोग करना सीख ले तो आप भी जीवन में सफलता, सुख, मन की शांति और जो चाहिए वो सब कुछ पा सकते हैं। मिस्टर योगेश, ये एक युवा ट्रेनर है जिन्होंने 18 साल की कम उम्र से ही स्टेज पर ट्रेनिंग और लेक्चर देना शुरू किया। उन्होंने 19 से भी ज्यादा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। आज वे माइंड ट्रेनर, योगाचार्य, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी मास्टर हैं। इतना सारा नॉलेज लेने के बाद अब उन्होंने अपना यह ज्ञान लोगों में बांटना शुरू कर दिया, जिससे सभी इंसान अच्छी जिंदगी जी पाए। वे अलग अलग विषयों पर ज्ञान देते हैं, जैसे पावर मास्टरी, एनएलपी, हिप्नोटिज्म, आई लव मनी, माइंड योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, मेमोरी वर्कशॉप, आर्ट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, स्मार्ट स्टूडेंट वर्कशॉप, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम और श्रीमद् भागवत गीता के संबंधित प्रवचन भी देते हैं। इन्होंने कुछ ही सालों में 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके लेख समाचार पत्रों और मैगजीनों में भी अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। उसी तरह वे बैंक, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं। पूरे भारत में अलग अलग शहरों में उनके प्रोग्राम होते हैं। व्यक्ति अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक और सुखी बना सके, ऐसी शिक्षा वे आसान और प्रभावकारी ढंग से प्रदान करते हैं। यहाँ जीवन पढ़ाया जाता है, भविष्य से जोड़ा जाता है और कामयाब किया जाता है। किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना हमारे हाथ में नहीं है, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना ये तो जरूर हमारे हाथ में है, और हम ही इसे डिसाइड कर पाएंगे। तो यही पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी में लाने के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं माइंड ट्रेनर एंड मोटिवेटिंग गुरु मिस्टर योगेश दहीहंडे। यस, आई कैन डू इट, आई हैव डन इट। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, चैट में लिखिए यस सो आई कैन कंटिन्यू। क्या आपको आवाज आ रही है? यस, थैंक यू वेरी मच। सो
आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है थर्ड एक्टिवेशन। बट फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश, एज अ माइंड ट्रेनर आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो सेशन रहेगा 90 मिनट्स आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जब अटेंड कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरे हर एक शब्द के ऊपर रखिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे बच्चे और काफी सारे मम्मी पापा आए हैं। जरूर एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए भी है और मम्मी पापा के लिए भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा एक रोल है जैसे हम कोई जॉब करते हैं, हमारा एक रोल है जैसे हम कोई बिजनेस करते होंगे, लेकिन एक बड़ा सा रोल है, वो क्या है पता है? हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट चाहते हैं, और वो डेवलपमेंट कैसे चाहते हैं पता है? हर एक एरियाज के अंदर चाहते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई में होशियार हो या बच्चा हेल्थ उसकी अच्छी हो, ये सभी हम डेवलपमेंट चाहते हैं। मगर एक चीज है, उनको क्वालिटी टाइम देना उतना ही जरूरी है। जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को जो भी क्वालिटी टाइम दिया है तभी जाके उस सफलता उन्होंने पाई है। तो जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज, शायद आपको अच्छी ना लगे, आपको सुनने को भी अच्छी ना लगे, मगर सत्य है। यस, मैं आपको एक सत्य जान बताने जा रहा हूं, वो सत्य ये है, जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनके पीछे उनके मम्मी पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, या फिर उन्होंने एक क्वालिटी समय दिया था उनके लिए। जब सफल लोगों की बारी आई, उन्होंने महान कार्य किया अपनी जिंदगी में, और वो कार्य करते समय उनको शायद समय नहीं था अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, इसीलिए उनके बच्चे आज क्या कर रहे हैं शायद हम नहीं जानते, और जिन्होंने भी अपने बच्चों को समय दिया है उनके बच्चे आज काफी सफल है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो 90 मिनट्स का वेबिनार है, आज आपको अपने बच्चों को समय देना है। मैं आपको वादा करता हूं, एक प्रॉमिस करता हूं, आने वाले 90 मिनट्स में आज को आपको मैं इतना कुछ ऐसा नॉलेज देना चाहूंगा जो शायद आपके बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूंगा आप बस देखते रहोगे, नो, आई डोंट वांट। आपको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे ना उतना ही ज्यादा आपके माइंड में जाएगा। तो कोई भी सवाल मैं अगर आपसे पूछूं उसका जो आप यस और नो है, तो मैं चाहूंगा आप चिल्लाते हुए देंगे, या फिर कमेंट्स में भी जो कुछ पूछूंगा उसका जवाब मुझे देना है। आर यू रेडी? कितने लोग एक्साइटेड है थर्ड आई को खोलने के लिए, एक्टिवेशन करने के लिए? से आई, कितने लोग हैं? वाओ, मैं चाहूंगा कि मैं काफी एक्साइटेड हूं सभी लोगों को सीखने के लिए, और जरूर कहूंगा आज के सेशन को काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज काफी लोग जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम सभी तैयार है, लेकिन इस तैयारी करते समय आपने मुझे ये बताना है आपके बच्चों के ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिससे आप बाहर आना चाहते हो। शायद वो हो सकता है पढ़ाई, शायद हो सकता है टीवी देखना, शायद वो हो सकता है ना सुनना, शायद हो सकता है गुस्सा करना। तो आज आपको मुझे चैट में बताइए ऐसे आपके बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिससे आप सच में बाहर आना चाहते हो, चैट में बताइए, तो मैं आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला। ओके, टीवी, दर्शन सर बोल रहे हैं टीवी बहुत देखता है, और क्या है? यस, अमूल सर बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, वाह वाह वाह। चैट में बताइए आपके बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, साक्षी बोल रहे हैं कि ओके स्टडीज में प्रॉब्लम है। सागर सर बोल रहे हैं मोबाइल टीवी। ओके, विक्रम सर बोल रहे हैं मोबाइल। ओके, टीवी और गुस्सा करना, ठीक है, मोबाइल ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जफर सर बोल रहे हैं मोबाइल ये प्रॉब्लम है, वेरी गुड। एंग्री, ओके, गिल सर बोल रहे हैं एंग्री लेजी नेस है। ओके, वीवो सर बोल रहे हैं कि मोबाइल बहुत देखता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग आज जुड़ गए हैं। आपको मैं बता दूं, इन सभी प्रॉब्लम का जब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, वो एक ही सॉल्यूशन है। जब मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूँ बच्चों के लिए कि बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, मम्मी पापा बच्चे के बारे में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया, इन सभी प्रॉब्लम का लिस्ट ही बना के लिया। मैं आपको बता दूं, जब मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स है, तो जब जवाब मिलता है कि मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है सर, यस, बहुत गुस्सा करता है, और उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हमेशा कब चीजें कब करेगा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कंपेयर करता है चीजों को, उसके पास है मेरे पास नहीं है, एग्जाम आ जाता है बहुत डर लगता है उसको, होमवर्क नहीं करता, यस, होमवर्क
यानी कुछ भी दिया होमवर्क नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है उसके, ध्यान ही नहीं लगता एक जगह पे, टिकता ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यानी हम कुछ भी काम करने के लिए देंगे कभी भी करेगा, सोएगा उठेगा उसके मर्जी का, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेजी हो चुका है, यस लेजीनेस है, हम कुछ काम करने के लिए बोलो नहीं सुनेगा, कॉन्फिडेंस की कमी है, यस वो सामने बोल के नहीं आता, डर जाता है, पीछे पीछे हमेशा रहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ भी बोलो स्ट्रेस लेगा, मेमोरी तो इतनी कम है कि उसको याद ही नहीं रखता, या फिर पढ़ाई के अंदर काफी कमजोर है, डिमांड बहुत करता है, मुझे ये चीज चाहिए तभी जाके पढ़ाई करूंगा, या जनरेशन गैप है, आप कुछ बोलते हो अलग बोलता है, रिस्पेक्ट नहीं देता, डिप्रेस होता है, हेल्थ इश्यूज है, एंड टीवी मोबाइल ये होलसेल में प्रॉब्लम चालू है ये होलसेल में प्रॉब्लम चालू है हमारे फ्रेंड्स। तो कितने पेरेंट्स है जो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, से आए जोर से मैं चाहूंगा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं सच में, मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ऐसे नहीं दूंगा कि ऊपर ऊपर की ये करो वो करो वो करो, हमारे फ्रेंड्स मैं आपको जड़ से बताऊंगा इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और आज आपका जो समय है उसका ध्यान रखते हुए मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जबरदस्त है। इन सभी प्रॉब्लम का अगर मैं आपको बता दूं क्या सोल्यूशन है, क्या समाधान है, तो मैं पिछले 7 साल से जब बच्चों को अंडरस्टैंड किया, उनके साइकोलॉजी को समझा, उनकी साइकोलॉजी यानी हम बच्चों को समझते हैं लेकिन उनकी साइकोलॉजी को शायद नहीं समझते और उनके मन को नहीं समझते, यानी बच्चे का जो माइंड है उसको नहीं समझ रहे हैं, हम बच्चों को तो जानते हैं लेकिन उनके मन को नहीं जानते, और इस सभी का सोल्यूशन आज मैं आपको बता दूं वो एक ही है, और वो सोल्यूशन है हमारे फ्रेंड्स वो है आज के आपके बच्चों की आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना है। क्या होती है ये थर्ड आई, आइए जानते हैं, थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड हॉर्स आई डिवाइन आई दिव्य चक्षु बोधि नेत्र कहते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर ब्रेन के अंदर सबसे पावरफुल चक्र जिसे मैं कहूं अज्ञा चक्र। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द इस वेबिनार के अंदर आपके जीवन को बदल देने वाला हो, और मैं बता दूं आज के सेशंस के अंत तक जरूर रहिए, अंत में आपको कुछ ऐसा चीज देने वाला हो जिससे आपके जीवन में काफी बदलाव आने वाला है। इस अज्ञा चक्र की जो पावर है इंट्यूशंस, इस अज्ञा चक्र की पावर है विजन्स यानी कल्पना शक्ति, इस अज्ञा चक्र की पावर है कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी, इसी अज्ञा चक्र को कहते हैं पीनियल ग्लैंड, और ये जो पीनियल ग्लैंड है वो एग्जैक्ट दोनों ब्रेन के सेंटर में है, ये अगर एक्टिवेशन हुआ इसके अंदर जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट अच्छे से हो गए तो आपके बच्चे कुछ कारनामे करेंगे। एक छोटा सा वीडियो में दिखा रहा हूं, सभी मम्मी पापा ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर जो भी टेक्निक्स बताई है आज हम ये प्रैक्टिकली करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि काफी लोग कंफ्यूज है कि सर ये थर्ड आई क्या है, थर्ड आई क्या है, आई नो आप सभी लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, लेकिन ये सभी चीजें क्या होती है कैसे कर सकते हैं आज देखने से पहले छोटा सा वीडियो में दिखाना चाहता हूं जिससे आप थोड़ा सा कनेक्ट हो पाएंगे थर्ड आई के बारे में। अरे फ्रेंड्स ये जो थर्ड आई टेक्निक है आपके ब्रेन के पावर्स को इतना डेवलप करते हैं कि आपके बच्चे जो कारनामे करेंगे ना वो काफी अमेजिंग होने वाले हैं। देखिए नमस्कार, स्वागत है आपका, आज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली ना कर पाते। जी हाँ, ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है, हम आपको इन बच्चों से मिलाएं, उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज। आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा। देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये किताब, इसके बारे में ये किताब से हवा नहीं कर रहे बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर 2 मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांध कर ये बड़े ही आराम से कुछ भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज़ कॉरेस्पोंडेंट।
और अब जो आपके सामने होगा वो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सब बच्चे आंखों पर कपड़ा बांधकर सामने बैठे आदमी के शरीर के अंदर जाकर उसमें छिपी बीमारियों को चुटकियों में बता देते हैं। दांतों में थोड़ी कैविटीज़ थी, घुटनों में, लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी उनकी। क्या ये कोई जादू है या नजरों का फेर या फिर कोई तरकीब? किसी आदमी की उनकी बड़ी लंबी लंबी मूंछ है व्हाइट कलर की। 1997 से जापान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन कैसे ये देखिए। तो ये कैसे होगा और कैसे हम ये करने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज हम थर्ड एक्टिवेशन को जानने चाहते हैं, थर्ड एक्टिवेशन के डीप साइंस को समझना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये साइंस जो है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी लोग कंफ्यूज्ड है। सर सच में आंखें बंद करके दिख सकता है? दिखेगा तो कहां से दिखेगा? हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। माय फेस, मैं भी बोलूं, मेरे को भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन अगर कोई चीज के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके पीछे का साइंस अगर पता करे तो काफी सिंपल लगती है। और वो चीज है जब वो सिंपल हो और हमारे बच्चों के जिंदगी को बदल देने वाली है तो मैं जरूर कहूंगा। आपने शायद सुना होगा झांसी की रानी ना आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे या फिर अर्जुन धनुष चलाते थे। मैं जरूर कहूंगा ये बस सुना था, पता नहीं था कि ये क्या है। अच्छा लगता था कि मे भी झूठ होगा, लेकिन आज इसका जो साइंटिफिक कारण है, इसके पीछे का जो साइंस है, आज समझने भी वाले हैं और अनुभव भी लेने वाले हैं। तो कितने लोग हैं जो इस अनुभव को लेना चाहते हैं? से आई, इतने लोग हैं, वाह वाह वाह। मैं जरूर कहूंगा आई एम सो एक्साइटेड कि आपको ये सभी चीजें आज सिखाऊं। लेकिन उससे पहले मैं अपने आप के बारे में बताता हूं, क्यों कि मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं आपको यही चीजें क्यों सिखाना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आप के बारे में बताता हूं। मेरा नाम योगेश, एज अ माइंड ट्रेनर थर्ड एक्सपर्ट मैं पिछले 7 सालों से ये चीजें सिखा रहा हूं। और मैं बताऊं, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था और मैं अभी औरंगाबाद में रह रहा हूं। और मैं बताऊं, मेरा जो स्कूलिंग था, यानी मैं जो बचपन में पढ़ाई कर रहा था, मेरा ये स्कूल सेंट पॉल हाई स्कूल केजी से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, मैं पढ़ाई में इतना कमजोर कि हमेशा बैक बेंच पे बैठता था और मेरे स्कूल के अंदर काफी कम मार्क्स आए। जैसे मैं शेयर करूं, यहाँ पे मेरे 10th क्लास में यानी 10वीं कक्षा में 58.66% थे और मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज था ना, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में, मुझे बस 39 मार्क्स थे। तो मैं क्यों सिखाना चाहता हूँ बताओ, उससे पहले आप मुझे बताओ कितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, हाथ ऊपर करो। कितने मम्मी पापा है बच्चे पढ़ाई में कमजोर है? कड़ाई नहीं करता हूं कि काफी बच्चे है, 80% बच्चे पढ़ाई में कमजोर है। और मैं बताओ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आज मैं आपको देना चाहता हूं, वो क्या है पता है? आज मैं आपको काफी सारी टेक्निक सिखाने वाला हूं इस वर्कशॉप के अंदर, लेकिन एक चीज पहला आपको क्लियर करनी है, वो क्या है? आपके बच्चों को कोई भी किताब देनी है पढ़ने के लिए, एक टेस्ट करना है, कोई भी किताब देनी है पढ़ने के लिए, वो इंग्लिश हो तो बहुत अच्छी होगा। और बच्चों को बोलना है कि बेटा मुझे एक एक शब्द का मीनिंग बता। क्या करना है? एक एक शब्द का मीनिंग मुझे बता। अगर आपका बच्चा एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा है, यानी उसके कंसेप्ट क्लियर है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। मगर अगर वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको वो शब्द का मीनिंग पता नहीं चल रहा है, तो माय फ्रेंड्स उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी ट्यूशन लगाओ, कुछ भी करो, वो पढ़ाई नहीं करने वाला है। वो वैसे ही चीजों को रट्टा मारेगा और वो रट्टा मारने से आगे चल के परसेंटेज कम लगेगा। जरूर कहूंगा बच्चे के स्टडीज के अंदर ऐसा एक भी शब्द नहीं चाहिए, ऐसा एक भी वाक्य नहीं चाहिए जिसको उसका मीनिंग पता ना। तो मुझे बताइए हमारे फ्रेंड्स, कितने पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे को हर एक चीज का मीनिंग पता चलेगा ना, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा? से आए, कितने को लगता है? ओके, और ज्यादातर यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर मैं कहता हूं 80% यही प्रॉब्लम है। बच्चे को शब्द की पहचान नहीं है, वो जब के तब नहीं करते और जब के तब न करने की वजह से बाद में बहुत कुछ आ जाता है और फिर पढ़ाई में। वो मेरा अनुभव था, यस मैंने वो अनुभव लिया है। मुझे सॉइल का मीनिंग 11th में पता चला, सॉइल यानी मिट्टी होती है, यस माय डियर फ्रेंड। वैल्यू डिजिट ये नंबर्स को कहते हैं, ये मुझे 11th में पता चला। माय डियर फ्रेंड सोचो, ऐसे इतने सारे शब्द थे मुझे पहचान में हुआ, बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन मैंने एक चीज किया। वो क्या था माय डियर फ्रेंड, 10th में जब पास हुआ, मैंने एक ऑनलाइन मेमोरी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लिया था और ये प्रोग्राम यूएसए का था, यानी हैरी लोरेन,
और ये प्रोग्राम करने के बाद मैंने पढ़ाई में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया कि मेरे 12th में 76.83% आए। और जरूर कहूंगा ये शायद कम हो लेकिन मेरे लिए काफी अच्छे थे। और बाद में मैंने बीटेक किया, वहां पे भी अच्छे स्कोर किया। और मैंने ये सभी चीजें करके जो मेमोरी टेक्निक्स का यूज करके, मन की शक्तियों का यूज करके, वो मैंने अपने जीवन में पर्पस बनाया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा जो पढ़ाई में लैक है उसका कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी कैसे बढ़े, ये जो चीजें मैंने अपने जीवन में लाई थी वही दुनिया को देना चाहता था। तो मैंने क्या किया, जॉब कर रहा था, मेरा बीटेक ग्रेजुएशन हुआ है और जॉब के बाद एज अ पार्ट टाइम में बच्चों को क्लास के अंदर, स्कूल्स के अंदर सिखाने लगा। और इस प्रोग्राम को सिखाते सिखाते मैंने काफी सारे नए नए चीजें भी सीखना शुरू किया। एक प्रोग्राम आया था 2014 में और मैंने ये पहली बार देखा, मुझे विश्वास नहीं था आंखें बंद करके दिख सकता है। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेनिंग लिया, सभी चीजें अंडरस्टैंड किया, साइंस को समझा, 5 बच्चों को ट्रेन किया, ओके, 5 बच्चे को आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ। बाद में 150 बच्चों को सिखाया, स्कूल्स में गया, उधर सिखाया बच्चों को आंखें बंद करके जो दिख रहा था। फिर मैंने क्लास कंडक्ट करना शुरू किया, वर्कशॉप लेने शुरू किया। मैं बताऊं, जब ये कंसेप्ट मैंने सिखाया तो पेरेंट्स देख के चौक हो जाते थे। उनको लगता था कि ये अमेजिंग किड्स, हमारे जो बच्चे उनका मेमोरी पावर सभी कुछ डेवलप हो रहा था। इसके साथ मैं जब ये सिखा रहा था कुछ प्रॉब्लम्स आए रहे थे, जैसे मेरा बच्चा टीवी बहुत देखता है सर, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। उसको सोल्यूशन के लिए मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहता था कि बच्चों की कोई भी सोल्यूशन मिले। मैं आज को भी आपको सोल्यूशन बताना चाहूंगा। एक प्रोग्राम मैंने किया था, दैट वॉज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की कोई भी समस्या है उसे आप बाहर आ सकते हो। मैंने देखा एक समस्या आ रही थी, उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं था। वो थी 20% बच्चों को चश्मे हैं आज, और ये चश्मे बढ़ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि बच्चे मोबाइल टीवी काफी ज्यादा देख रहे हैं, और इसका भी सोल्यूशन मुझे मिल गया। एंड दैट वॉज माई डिफेंस, रीकी हीलिंग। रीकी एक बहुत ही कंसेप्ट सुंदर है, जहां पे आंखें बंद करके हम अपने शरीर को देख के बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से, तकलीफ है, उससे बाहर आ सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अपने जीवन में हमेशा मैं सीखते रहा हूं, और जितना हम सीखेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे। और सीखने के बाद ये अपने जीवन में उतार के मैंने फिर मिशन बनाया, मेरा जीवन का पर्पस बनाया। सुबह उठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, मैं अपने आंखें बंद करके कल्पना करता हूँ, एक मिशन मेरा स्टेटमेंट बोलता हूँ सुबह उठ के, और रात को सोने से पहले इसी मिशन को साथ में सो जाता हूँ। मेरा मिशन है माय डिफेंस, जिंदगी के अंदर मैंने अपने जीवन में 1,000,000 बच्चों की थर्ड आई एक्टिवेशन करनी है, उनको थर्ड आई देनी है, और उनके जीवन में मुझे हैप्पीनेस क्रिएट करना है, उनके जीवन में मुझे समृद्धि लानी है, और उनका जीवन एक स्पिरिचुअल या हायर एनर्जी के साथ कनेक्शन मुझे करना है। और जरूर कहूंगा, इतने सारे लोग जो आज आए ना, ये मेरे मिशन की वजह से आए। और मैं बताऊं, आप देख सकते हो ये जो पूरे इंडिया के लोग आए हैं, जो मेरा सपना है, इसमें आपका हिस्सा जो मुझे चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं आपको जरूर कहूंगा। आपकी समय की कदर करूंगा, आपके टाइम की कदर करूंगा। आने वाले समय पे मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे चीजें बताने जा रहा हूं जिससे आपको सीखने के बाद आपके बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम आप बाहर आ सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, मम्मी पापा सुन रहे हैं, आप जैसे मम्मी पापा की जरूरत है आज इंडिया में। पता है क्यों? जो सच में आप अपने बच्चों की जिंदगी को बदलाव चाहते हो, चेंज चाहते हो, आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं पता है? मोबाइल पे सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या फिर मूवीज देख रहे हैं। लेकिन कुछ नया सीखना है, और जो तैयार है, बता रहा हूं आप सभी को, यहाँ पे ऐसे भी पेरेंट्स बैठे हैं जो मोबाइल सामने रखा है, मैट बिछाया है, और वो देख रहे हैं। माय फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स अगर इंडिया में डेवलप हो गए ना, मैं दिल से आपको शुक्रिया करने वाला हूँ, दिल से आपको थैंक यू कहता हूँ, जो आप जैसे पेरेंट्स को मैं ये सभी चीजें दे रहा हूँ। और जरूर कहूंगा, आपकी समय की कदर करते हुए हम इस प्रोग्राम को आज सीखेंगे। तो थर्ड एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है, मैं आज आपको डीपली समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्ड आई यानी जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, साइंटिफिक टर्म है, थोड़ा सा डीप जाने वाले आज, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, जागृत रहिए, यहां वहां पे आपको कम ध्यान देना है। ये 90 मिनट्स का वेबिनार है, मैं चाहता हूं कि आप बीच में या फिर कोई काम करो और ये वीडियो देखो, डोंट डू लाइक दैट, या फिर आप जो है इसके अंदर पूरा डूब जाओ आज। ये पूरा प्रैक्टिकल है, यानी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो पीनियल ग्लैंड क्या होती है पहले उसको जानते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है।
पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं। जैसे आप अगर डॉक्टरेट या मेडिकल बायोलॉजिकल टर्म अगर जानते हो, पीनियल ग्लैंड में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पहला है मेलाटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन हमारी जो विजन्स है यानी कल्पना है उसको बढ़ाता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, हमारी दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो अंधेरे में रात को जब हम सो जाते हैं, जब आंखें बंद होती है, उसका सिक्रीशन यानी बढ़ना शुरू होता है। जो हमें रात को सपने आते हैं या जब हमारी कल्पनाएं होती है, वो सभी कल्पना मेलाटोनिन की वजह से है। लेकिन आप डॉक्टर है तो आप जानते होंगे, मेलाटोनिन की कमी यानी मेलाटोनिन अगर ब्रेन में कम सिक्रीट हुआ तो बच्चों को आंखों के चश्मे लग जाते हैं, यानी ब्लाइंडनेस आ जाता है, विजुअलाइजेशन कम हो जाने लगती है। और ये बचने के लिए थर्ड आई करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से सभी सुनिए प्लीज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे जो दो माइंड है, मैं डीप लेके जाने वाला हूं, हर एक चीज आपको पूरा डीपली समझने जाने वाला हूं सिंपल भाषा में। लेफ्ट और राइट ब्रेन जो हमारे दो ब्रेन है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो हमारा है, कॉन्शियस माइंड यानी जागृत, सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत, कॉन्शियस यानी 10, सबकॉन्शियस यानी 90। ये जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इनके कार्य अलग अलग है। अभी मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलता हूं तो ये क्या है, कॉन्शियस यानी जागृत यानी आंखें खुली, आंखें खुली है आप कॉन्शियस हो, आंखें बंद सबकॉन्शियस। अभी होता क्या, देखो ज्यादातर लोग, साइकोलॉजी साइंस ये कहता है, दुनिया के 90% लोग अपने जो ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है कॉन्शियस। ध्यान से सुनिए, कौन सा ब्रेन है, कॉन्शियस यानी लेफ्ट ब्रेन, ध्यान से सुनिए लेफ्ट। और जो राइट ब्रेन है यानी सबकॉन्शियस है, अंतर्मन है, वो 10%, मैं कहूंगा 10 भी नहीं, ओनली 4% ज्यादा लोग यूज करते, 4%। आप कहोगे कैसे सर, बताइए हमें। यस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज। ये जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस के पास 90% पावर है। अभी ये 90% पावर को ज्यादा यूज करना है। एग्जाम्पल कितने लोगों ने सुना है, अगर हम इस हाथ से लिखते हो राइट हैंड से तो लेफ्ट पोर्शन काम करता है, लेफ्ट हैंड, सुना होगा साइंस में। या फिर ये सुना है, हम अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो ये पोर्शन काम करता है, राइट ब्रेन काम करता है। यस अभी कितने लोग है जो राइट हैंड से लिखते हैं, हाथ ऊपर करो, मैं देख रहा हूं सभी को। लेफ्ट राइट हैंड से लिखते हैं, राइट यानी आप ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, और दोनों ब्रेन एक साथ काम नहीं कर रहा है। क्यों पता है, जो भी संत, जो भी महापुरुष, जो भी सक्सेसफुल लोग है उनके जीवन में देखो, या फिर जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए ना उनका जीवन देखो एक बार, उन्होंने अपने जीवन में सबकॉन्शियस को ज्यादा यूज किया है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कई फोटोग्राफ के अंदर लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे या फिर ऐसे बैठते हैं, मौन रहते हैं, आंखें बंद रहती है, और वो आंखें बंद करके, मैं बताऊं शायद हमने इसको कभी देखा नहीं है या सुना नहीं है या किसी ने सिखाया नहीं है। ये आंखें बंद रखना, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, आंखें बंद रखना आपके 90% पावर को जागृत करता है। और जितने भी संत, जितने भी महापुरुष थे, वो अपने ज्यादातर समय पे अपने सबकॉन्शियस का यूज करते थे, और वो जो पावर है, मन की शक्तियां है, उसको बढ़ाते थे। और जरूर कहूंगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पावर है क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड के पावर है इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड के पावर है क्वेश्चंस, सबकॉन्शियस के पावर है जो डांस म्यूजिक, जो इमोशंस है, और सबसे बड़ी पावर है मेमोरी, स्मरण शक्ति, जो बच्चों की नहीं आज। ये सभी पावर राइट ब्रेन की है, और वो राइट ब्रेन की पावर हमें बताओ कैसे बढ़ानी है, अंतर्मन की शक्तियां, जो आंखें बंद करके सबकॉन्शियस माइंड को हम जागृत करने वाले हैं, आंखें बंद करके देखने वाले हैं बच्चे, वो हमारी इमेजिनेशन पावर है राइट ब्रेन की। अभी बताओ एक छोटा सा एग्जांपल, दोनों माइंड एक साथ यूज में हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। एक हाथ ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे डू लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे लीजिए सभी मम्मी पापा। ये पूरा प्रोग्राम प्रैक्टिकल है, मैं नहीं चाहता कि आप बस देखते रहो, करो भी, दोनों हाथ ऐसे लो, बच्चों भी मम्मी पापा आप भी करो, टेक दिस हैंड लाइक दिस, ओके, दोनों हाथ आगे 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 लेके जाओ, करो, देखो मत, प्लीज करो, जब करोगे तो आपको पता भी चलेगा। यस सर, करो करो करो,
देखो मत, देखने से कुछ फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप करो इस चीज को। ग्रेट, पीछे लो दोनों हाथ, पीछे 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 पीछे, वाह वाह ग्रेट, स्टॉप। एक काम करो, एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे लेके जाओ, एक हाथ पीछे लेके आओ, एक हाथ आगे करो, पीछे पीछे। मैं देख रहा हूं काफी बच्चे कंफ्यूज है, दोनों हाथ आगे नहीं, अरे अरे दोनों हाथ आगे जा रहे हैं, दोनों हाथ आगे नहीं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, दोनों पीछे जा रहे हैं, अरे काफी बच्चे पीछे आ रहे हैं। मैं बताऊं काफी कंफ्लिक्ट था। देखो ये सभी कंफ्लिक्ट पैदा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ब्रेन एक साथ नहीं यूज हो रहे हैं, इस वजह से। अभी ध्यान से सुनो, थोड़ा सा डीप है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये जो दोनों ब्रेन है इसको बैलेंस करना ही थर्ड आई का काम है। यानी ये जो सेंटर में इसके पीनियल ग्लैंड होता है दोनों ब्रेन के बीच में, उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड थर्ड आई। अभी थोड़ा सा गहरा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारे जो माइंड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उसके चार मन की अवस्था है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है और गहरा है। ये शायद कोई स्कूल नहीं सिखा रहा है, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है, इसीलिए आज सिखाना चाहता हूं आपको, जिससे बच्चों की जड़ से, हाँ जड़ से समस्या सॉल्व हो। बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, ध्यान से सुनिए। बीटा यानी जागृत अवस्था, अल्फा यानी आप सोने के लिए जा रहे हो, थीटा यानी नींद लग गई, और डेल्टा यानी डेल्टा अवस्था। डेल्टा अवस्था यानी गहरी नींद, यानी डीप स्लीप। देखो ये जो चार अवस्था है, बीटा यानी कॉन्शियस माइंड, अल्फा यानी दोनों माइंड एक जगह पे आ गए हैं, थीटा यानी सबकॉन्शियस माइंड, और यहाँ पे डीप सबकॉन्शियस। देखो ध्यान से ये क्या है, ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसे कहते हैं बीटा यानी ज्यादा विचार, अल्फा यानी कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आ गए, यानी ये आते हैं सिचुएशन में, बताने जा रहा हूं आगे, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एक जगह पे आ जाए। थीटा यानी यहाँ पे कॉन्शियस माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस है, क्या है, सबकॉन्शियस। और डेल्टा यानी हायर सबकॉन्शियस, यानी यहाँ पे कम विचार है, यानी ये जागने की अवस्था है, ये दोनों सोने की अवस्था है, थीटा एंड डेल्टा, आप सो जाते हो। अभी देखो, अभी ये दोनों के बीच में है अल्फा, क्या है, अल्फा यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है एक जगह पे आ जाते हैं, इसे कहते हैं अल्फा। अभी देखो जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी मन के शक्तियों को जानते हैं, जितने भी अपने मन का एक सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए अल्फा स्टेट जानना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जीवन में इसी स्टेट को यूज किया, और अपने जीवन में जो भी सफलता है, अच्छी हेल्थ है, रिलेशनशिप, सभी को अच्छा किया, और इसका ही रीजन है थर्ड आई खोलना। ध्यान से सुने, अल्फा स्टेट में हम थर्ड आई को जागृत भी कर सकते हैं। क्या होती है अल्फा स्टेट, ये देखो, ये जो अल्फा माइंड है यानी अल्फा स्टेट है, ये नेचुरली कुदरत ने, भगवान ने, नेचर ने दो बार दिया है, लेकिन जो इंसान इसका प्रॉपर यूज करेगा, प्रॉपर टेक्निक यूज करेगा, वो अपनी जिंदगी में काफी सफल होगा। बिफोर स्लीप, सोने से पहले 5 मिनट के लिए आप अल्फा में जाते हो, उठने के बाद यानी जब आप उठ जाते हो 5 मिनट के लिए आप अल्फा में रहते हो, और बाद में आपका सब कॉन्शियस के अंदर, आपका कॉन्शियस माइंड सभी कुछ अंदर डाल सकता है। अभी देखो जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी अनुभव लेते हैं, वो कॉन्शियस होता है यानी जागृत। ये सभी का सभी अंदर हमारे ब्रेन में जाता है, राइट सबकॉन्शियस। अभी देखो इसे कहते हैं मैजिक, इस अल्फा को कहते हैं मैजिक। मैजिक है, आपके बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा, लेकिन सीरियसली सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, एक एक्टिविटी में आपके साथ कर रहा हूं, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसमें 100% देना पड़ेगा, मुझे देखो मत, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर एक चीज के अंदर। जितने लोगों को मैजिक पसंद है हाथ ऊपर करो, मैजिक, कितने बच्चे हैं, मैं बच्चे को भी देख रहा हूं, मैजिक पसंद है, मैजिक, यस काफी लोग हैं, ग्रेट। अल्फा स्टेट मैजिक स्टेट है, यानी आप अपनी जिंदगी में अगर बच्चों से परेशान हो, टीवी देख रहा है, अगर बच्चे से परेशान हो, आपकी बातें नहीं सुन रहा है या गुस्सा कर रहा है, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अल्फा स्टेट। उसकी पहले मैजिक करेंगे, बाद में एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे बच्चों कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दोनों हाथ ऐसे लीजिए, प्लीज देखो मैं करो, अभी मैं देख रहा हूं, काफी बच्चे देख रहे थे, अभी करो इसे, यस डू लाइक दिस। पापा मम्मी देखो, यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है, और मैं कहूँ जो ये करेगा ना वो आज आपका बच्चा काफी बदलेगा। ओके, छोटा सा टेक्निक आपके साथ दे रहा हूं, और मैं कहूँ जो भी करेगा उसने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया आज। यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है, दोनों लाइन को ज्वाइन करो, ठीक से करिए,
ओके ग्रेट, दोनों हाथों कैसे चिपकाना है लाइक दिस, ठीक है, वाह वाह ग्रेट। अभी बीच वाली फिंगर देखो, किसी की लेफ्ट वाली बड़ी है, किसी की राइट वाली बड़ी है, किसी के दोनों सेम है। देखो अगर लेफ्ट वाली बड़ी है तो हाथ ऊपर करो, लेफ्ट वाली बड़ा हाथ है, फिंगर है, हाथ ऊपर करो लेफ्ट वाला था। किसका राइट वाला है, हाथ ऊपर करो राइट वाला, राइट। और किसके दोनों सेम है, सेम सेम भी हो सकते हैं, कितना है सेम वाले हैं, वाह काफी लोग सेम वाले हैं। अभी एक काम करो, निकाल दो उसे, हाथों को छोड़ दो। अभी एक काम करना है, ध्यान से सुनो, मैजिक ये है, अभी बच्चा ध्यान से देखो, मैजिक ये है जो हाथ छोटा था, यानी जब चेक किया छोटा था, उसको सामने लेके आओ, उसको हम बड़ा करेंगे, मैजिक ये था। जो हाथ दोनों सेम था, सेम कौन सा भी हाथ आगे लेके आओ, कौन सा भी, आपके पास ऑप्शन है अभी, ठीक है। जो हाथ छोटा था उसको बड़ा करेंगे, जो हाथ सेम थे उसको बड़ा करेंगे, करिए, देखो मत, जो ये करेगा ना, मैं क्या कह रहा हूं, उनके ब्रेन में 100% जाएगा, और 100% जाएगा कि अल्फा अवस्था में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और जो नहीं करेगा वो चीज को भूल भी जाएगा और जिंदगी में कभी बदलाव नहीं क्रिएट कर सकता है। सभी ने करना है, सभी ने करना है, मैं चाहूंगा, मैं देख रहा हूं, मुझे मत देखो, करना है। चलो लेके आओ, अभी ऐसे हाथ लेके आओ, अल्फा मैजिक, इस हाथ को देखो अभी कॉन्शियसली, हमारा कॉन्शियस और जब सब कॉन्शियस इकट्ठा आता है तब मैजिक होता है। हाथ को देखो, हाथों के ऊपर तिल है, हाथों के ऊपर लाइन है, हाथों के ऊपर डॉट डॉट्स है, और पूरा देखो हाथों को और स्माइल करो, स्माइल करो और बोलो एक साथ जोर से, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया। दूसरा हाथ क्या करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे इसको ऐसे पकड़ना लाइक दिस, ग्रेट। हाथों को देखो, बोलो मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया। आंखें बंद करो, अभी आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद, क्लोज योर आईज प्लीज, कोई आंखें नहीं खोलेगा, आंखें बंद, आंखें बंद करो प्लीज, एक आंखें बंद करो और एक बार दिल से बोलो, हार्ट से बोलो, और देखो मेरा हाथ सच में बड़ा हो गया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो गया है, बोलते रहो मेरे साथ, माई हैंड इज ग्रोइंग अप, माई हैंड इज ग्रोइंग अप। आंखें नहीं खोलनी है, जो आंखें खोलेगा उसका नहीं होगा बड़ा, सब कॉन्शियस में जाने वाले हैं, आंखें बंद है तो सब कॉन्शियस है। इमेजिन करो आपके हाथों के ऊपर तिल है, इमेजिन करो आपके हाथों के ऊपर लाइन्स है, और कितना अच्छा जो हाथ है वो बड़ा भी हो रहा है, वाओ वाओ। बोलो मेरी फेस मेरे साथ जोर से, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, 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 मेरा हाथ बड़ा हो गया है। बोलो बोलो जोर से बोलो, फील करो, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, फील करो मेरा हाथ बड़ा हो गया। तीन बार, बस तीन बार, 100% फीलिंग के साथ जोर से बोलना है, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, माय हैंड इज ग्रोइंग अप, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है। और बोलो सा लास्ट में, वाओ वाओ वाओ, ओपन योर आईज, ओपन योर, आंखें खोलो, ग्रेट, वेरी नाइस। अभी दोनों हाथ ऐसे करो, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, ज्वाइन इट और चेक इट, चैट में लिखो किसका हाथ बड़ा हुआ है, और चैट में लिखना है आई 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 आई, जिनका हाथ बड़ा हुआ है वो लिखेंगे आई, साक्षी बोल रहे आई, वेरी गुड, आदित्य बोल रहे आई, तारा बोल रहे आई, रानी बोल रहे आई, सगिता बोल रहे आई, थड़ाए बोल रहे आई, अर्जुन बोल रहे आई, ओके चरण बोल रहे आई, रीना बोल रहे आई, जो मैम बोल रहे आई, संगीता मैम बोल रहे आई, आयन बोल रहे आई, अमोल बोल रहे आई, आई 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 आई, वाह वाह। एक काम करो, दोनों एक हाथ ऐसे ऊपर करो, ऐसे ऊपर करो, और अपने आप के बोलो वेरी गुड, वाह वेरी गुड। जरूर कहूंगा, जिन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़े साइंस को आज जाना आपने, हमारे अल्फा स्टेट को। अभी ध्यान से सुनिए प्लीज, पूरा फोकस मेरे पास रखिए, अल्फा स्टेट मैजिक अवस्था, मैजिक, जो भी सुनते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं, अंदर जाता है, एक छोटा सा अनुभव हमने लिया, लेकिन यहाँ पे महान आत्माएं बैठी है, इस वेबिनार के अंदर महान आत्माया है, आत्माएं, आत्मे भी है, आत्माया भी है। आत्मे क्या कर रहे थे पता है, मैं देख रहा था, वो आंखें बंद नहीं कर रहे थे, वो ऐसे देख रहे थे, और उनका हाथ बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा आपका हाथ बड़ा, उनका हाथ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉन्शियस थे, और कॉन्शियस माइंड से पॉसिबल नहीं है, आपको आंखें बंद करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, कितने लोगों ने अनुभव लिया है, ध्यान से सुनिए, कितने लोगों ने अनुभव लिया है, सुबह के समय पे जब आप उठ जाते हो, कोई गाना सुनते हो, गाना, और वो कान में जाता है, दिन भर उसको गुनगुनाते हो, हाथों पर कीजिए, कितने लोगों ने अनुभव लिया, कोई गाना सुनते हो तो दिन भर उसको गुनगुनाते हैं,
यस देखो सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में वो लाता है। कितने लोगों ने अनुभव लिया है या फिर सुना है, सुबह के समय पे पढ़ाई करना याद रहता है, ज्यादा ज्यादा याद हो जाता है। सुबह के समय पे पढ़ाई अच्छी होती है, यस हम सुनते आए हैं। इसीलिए माय फ्रेंड सुबह के समय पे आपके अच्छे शब्द अच्छे वाक्य अगर बोलोगे वही जीवन में घटित होगा। इसलिए हमारे पूर्वज इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल पे ये चीजें बताई थी कि आप सुबह के समय पे कुछ श्लोक मंत्र चैंटिंग कुछ तो भी बोलो अच्छे से, जो भी सो गए ना उनके कान में जाए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर काफी सारी मंत्र चैंटिंग सुबह के समय पे बोलते हैं। या फिर सुबह का समय पे खराब गया पूरा दिन खराब हो जाता है, ऐसा होता है। यस क्यों पता है? क्योंकि उस समय पे अल्फा। और कितने लोगों ने यह भी अनुभव लिया है, रात को सोने से पहले जब अल्फा में होते हो, कोई मूवी देखते हो मूवी और वो हॉरर है भूतों वाली, और वो जब सो जाते हो उसी विचार में रात को सपने भी वही आते हैं, वही सपने आते हैं भूतों वाले। कितने लोगों का अनुभव है? यस काफी लोगों का है। यानी देखो दोनों माइंड है उसको समझना है। हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए दादी माँ रात को सोने से पहले हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे और वो कहानी आज भी हमें याद है। तो जरूर कहूंगा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ये हमें जानना है, और जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने इसका फायदा लिया है। ध्यान से सुनिए, आपके बच्चों को क्या करना है, जिनका भी हाथ बड़ा हुआ उन्होंने रात को सोने से पहले उठने के बाद इन शब्दों को बोलना है। क्या बोलना है? दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, रीडिंग की स्पीड बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्फिडेंस, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल देखना टीवी देखना बोर फील कर रहा है, और मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। अभी क्या अभी आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, प्लीज 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 स्क्रीनशॉट निकालो। जितने भी मम्मी पापा सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, स्क्रीनशॉट निकालो प्लीज। वाह वाह थैंक यू वेरी मच। पांच से लेके सात दिनों के अंदर ये वाक्य अगर बच्चा रोज एक वाक्य पांच से लेके दस बार बोलता है ना, कितने बार बोलू, पांच से लेके दस बार बोलता है, पांच दिनों में ही बच्चों के अंदर बदलाव आता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये हमने काफी बच्चों को प्रैक्टिकली किया है। 21 दिन तक अगर आप ये कंटिन्यू बोलते हो ना, 21 दिन तक 21 डेज इन वाक्य को, मेरी स्मरण शक्ति दिन भर दिन बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, मेरी जो मेडिटेशन की पावर है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी देखना मोबाइल खेलना मुझे बोर फील कर रहा है, आपके बच्चों के अंदर जो भी समस्या है ना उसको वो वाक्य, एक सकारात्मक वाक्य सुबह पे आपको क्या करना है और शाम के समय पे क्या करना है। यस मैम, सर अभिषेक सर है वो चाहते कि फिर से स्क्रीनशॉट चाहते हैं इस तरह। ओके सिंपल है, ये वाक्य कैसे बोलने हैं कैसे पढ़ने हैं, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। ये वाक्य कहते समय इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिए सभी मम्मी पापा बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये वाक्य बोलने कैसे है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, चेहरे पे स्माइल चाहिए, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, वाव 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 दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति काफी बड़ी है, वाव। ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है बच्चों, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, दिन भर दिन मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। कुछ नहीं बढ़ेगा आपका, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसको चाहिए इमोशंस, हमारा जो इमोशंस माइंड है सबकॉन्शियस, इसको चाहिए विजुअलाइजेशन कल्पना, और इसको चाहिए शब्द, वो तुरंत पकड़ लेता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर वो इमोशंस नहीं है, अगर वो फीलिंग नहीं है, अगर वो बोलना नहीं है, नहीं होगा। राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, ऐसे हाथ लेना है, आंखें बंद करना है, पेन लेना है, इमेजिन करो ऐसे पेन हाथ में है, डुप्लीकेट इमेजिन फुली इमेजिन ऐसे करना है, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, वाव मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है। हाथ में मोबाइल लेना, इमेजिन करो हाथ में, मुझे मोबाइल देखना बोर फील हो रहा है, मुझे मोबाइल देखना बहुत बोर फील हो रहा है, मुझे मोबाइल देखना बहुत बोर फील हो रहा है। इमोशंस के साथ ऐसे नहीं बोलना है, मुझे मोबाइल देखना बहुत बोर फील हो रहा है, मुझे मोबाइल देखना बहुत बोर फील हो रहा है। ये बोर नहीं फील होगा, वो और अच्छा लगेगा। तो यानी इमोशंस के साथ बोलो, अगर इमोशंस नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको बैठे हुए 40 मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए हैं, 40। क्या आपको लग रहा है आप 40 मिनटों से बैठे हो? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये इमोशंस का प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे हाथ को ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं,
अगर ये प्रोग्राम अगर मैंने कॉन्शियस माइंड से लिया होता, जिसके पास 10% पावर है, विदाउट इमोशंस, तो कैसे होता पता है? सभी लोगों का आज स्वागत है। आज हम थर्ड एक्टिवेशन सीखना चाहेंगे। आज हम थर्ड एक्टिवेशन में जानेंगे कि कैसे बच्चों की आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करके आपका बच्चा जो है इतना डेवलप होगा कि उसको आंखें बंद करके पूरा दिख जाएगा, उसका अंदर इतना कुछ बदलेगा, जैसे मेमोरी पावर है, एक बार पढ़ेगा याद रखेगा, कॉन्सेंट्रेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कहोगे बेटा पहला तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस का पत्ता च नहीं है। यानी ये जो सभी चीजें मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? इमोशंस पावर है। और ये जो इतने ज्यादा इमोशंस आप अगर बोलते समय लाओगे उतना ही जल्दी घटित होता है। और जरूर कहूंगा ये वाक्य हर बच्चों ने बोलने हैं। तो कितने बच्चे हैं आप मुझे बताना है ये रोज वाक्य बोलोगे? कितने मम्मी पापा हैं जो ये वाक्य, और मम्मी पापा भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे, मम्मी पापा क्या बोल सकते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ मुझे अपने जिंदगी के अंदर अच्छी हेल्थ बनानी है, तो क्या बोलना है? मैं दिन भर दिन बहुत हेल्दी बन रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन फूड मैं हमेशा लेता हूँ, मेरी हेल्थ के लिए मैं रोजाना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दिन भर दिन मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो रही है, दिन भर दिन मेरे लिए जीवन में बहुत ही पैसा आ रहा है, बहुत ही मेरे जीवन में खुशी आ रही है। माय फ्रेंड्स, आज एक गरीब इंसान, एक गरीब इंसान रात को जब सोता है ना, वो देखता है मैं गरीब, वो फील करता है मैं गरीब, और वो बोलता है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। सुबह उठता है देखता है बहुत प्रॉब्लम है जीवन में, हमारी जिंदगी में ये तकलीफ है वो तकलीफ है, और वो सभी से देखता है अपने जीवन में जो भी दुख है वो सभी सुबह के समय पे देखता है, और ऐसा नाराज होके टेंशन लेके उठ जाता है, फिर से वही है। लेकिन एक अमीर इंसान रात को सोने से पहले इमेजिन करता है आज मैंने इतना किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने अपने जीवन में ये किया, और खुश होके, और मैं कल ये करने वाला हूं, खुश होके जब सो जाता है और उसका सबकॉन्शियस और कार्य करता है, सुबह उठता है आज हम ये करेंगे वो करेंगे और आज काफी अच्छा जाने वाला है दिन, और खुशी से वो सुबह की शुरुआत करता है और उसका दिन और भी अच्छा जाता है। और लेकिन जो रात को सोने से पहले उठने के बाद टेंशन स्ट्रेस ये सोच के उठेगा और सोएगा, उसकी जिंदगी में मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में वो रिजल्ट आएगा। तुम्हारे फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले उठने के बाद इस चीज को करना है। क्यों पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? पता एक काम करना है, अभी एक एक्टिविटी आपको और एक दे रहा हूं। यूट्यूब चैनल है हमारा, अभी क्या अभी जाना है, ये मोबाइल लेना है, मोबाइल पे होम पेज दबाओ, होम पेज दबाने के बाद यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब डालो, वहां पे योगेश दही हंडे, योगेश दही दही हंडे हंडे दही हंडे टाइप करो, योगेश दही हंडे, ये योगेश दही हंडे चैनल आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर, वहां पे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी दबाओ और यहाँ पे आके बताओ कि आई हैव सब्सक्राइब, ओके चैट में लिखो आई हैव सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जो माइंड पावर है उसकी जो शक्तियां हैं उसको बढ़ाने के लिए मैंने YouTube के ऊपर मोर देन 450 यानी अभी 400 वीडियोस है, वो सभी वीडियोस मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, शायद वो मेमोरी हो सकता है, मेडिटेशन हो सकते हैं, थर्ड आई हो सकता है, बच्चों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सभी सभी ने यूट्यूब चैनल का सर्च ही करना है, थोड़ा सा रिसर्च भी करो आप, यानी इस वेबिनार में जो बताऊंगा उसके बाद आपको रिसर्च भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है या फिर काफी सारा नॉलेज वहां पे भी आपको मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा वहां पे आप बच्चों को सिखाओ। जैसे ये देखो, ये हाउ टू रिमेंबर 100 ईयर कैलेंडर, 38 मिनट में मैंने बताया कि 100 साल का कैलेंडर कैसे याद रखोगे। ये जो ग्रंथ है उसकी जो माइंड पावर है, यानी वो किताबें स्मेल करके पढ़ता है। यहाँ पे जो तन्वी है उसका हमने इंटरव्यू लिया था, ये जो तीन बेटियां है सर की, उनके भाई की, इनका जो माइंड पावर है कितना डेवलप हुआ है वो अनुभव शेयर कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त वीडियोस है। ओके थैंक यू वेरी मच, काफी लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब, प्रियांशु कुमार बोल रहे हैं सब्सक्राइब, सुरेश कुमार बोल रहे हैं सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं बोलूँ यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा बाद में रिसर्च करो इसी ऊपर, और मन की शक्तियों के काफी सारे प्रोग्राम से छुट्टियों में बच्चों को जरूर दिखाइए, कुछ वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वहां पे। अभी देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ अल्फा स्टेट इंपॉर्टेंट है, अल्फा स्टेट जहां पे हमारा मन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक जगह पे आता है,
उसके टाइम को हमें बढ़ाना है जो हमें किसी ने नहीं सिखाया है। हम नेचुरली दो बार पांच पांच मिनट के लिए अवस्था आती है, ये अवस्था का टाइम हम मेडिटेशन में बढ़ा सकते हैं, जहां पे जागृत और अर्ध जागृत मन एक जगह पे आते हैं और उस अवस्था में एक एनर्जी हमें मिलती है और उसे मैं कहूं कॉस्मिक एनर्जी। ध्यान से सुनिए, कॉस्मिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? कॉस्मिक एनर्जी। अभी 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, आने वाले 45 मिनट्स यानी 50% हमारा प्रोग्राम यहां पे खत्म हो रहा है। ये 10% था, 10% आने वाला प्रोग्राम 90% है जो प्रैक्टिकल है, पूरा अनुभव है। मैं चाहूंगा कि आने वाले 90 मिनट्स आप अपनी जगह पे उठोगे नहीं, आने वाले 90 मिनट्स आपका ध्यान पूरा मेरे पास रहेगा, क्योंकि अभी हम थर्ड आई के डीप में जाने वाले हैं। अल्फा स्टेट में होता क्या है और उस अल्फा स्टेट में हम जब आंखें बंद करके कैसे देख सकते हैं उसका पूरा साइंस आज हम समझने वाले हैं। एक एक चीज पूरा फोकस के साथ देखनी है। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो 5 मिनट का है, इस वीडियो का एक एक शब्द जिंदगी बदल देने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, एक एक वाक्य, एक एक शब्द ध्यान से मेरे पास होना चाहिए आपका। तो मैं बता रहा हूं, कॉस्मिक एनर्जी इतना खूबसूरत है साइंस, मैंने अपने जीवन में एट द एज ऑफ 25 समझा और मैं बताओ पूरा जीवन बदल गया एक एक शब्द। कॉस्मिक एनर्जी जिसे एक हायर एनर्जी कहते हैं, जिससे हमें अपने जीवन के लाइफ के सभी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट से पूछो ये दुनिया किसने बनाई, वो क्या कहेगा पता है? एनर्जी से बनी हुई है। एक आध्यात्मिक इंसान से पूछो ये दुनिया किसने बनाई, वो कहेगा भगवान ने। एनर्जी, भगवान, जो भी नाम दो, लेकिन कोई तो भी है इस दुनिया को चला रहा है। जैसे मैं कहता हूं कॉस्मिक एनर्जी, ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरी वर्ल्ड है, जैसे चांद सितारे या फिर पृथ्वी, ये कॉस्मिक एनर्जी से चल रही है। और मैं बताऊं ये कॉस्मिक एनर्जी जो आती है हमारी जिंदगी के अंदर, वो जितनी ज्यादा आएगी उतने ही ज्यादा कार्य हमसे होंगे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान इस एनर्जी को कहां से लेता है, एक आम इंसान इस एनर्जी को कहां से लेता है? इस एनर्जी को लेने के लिए हमें नेचर ने, कुदरत ने नींद दिया है, सोना। यानी जब आप रात को सो जाते हो ना, ये कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा मात्रा में आती है। आप मुझे बताओ, अभी सभी लोग यहां पे ध्यान से सुनिए, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। कितने लोगों ने अनुभव लिया है आपके सिर में दर्द है, पेन किलर नहीं है, गोली नहीं है सिर दर्द वाली, और रात को सोने के लिए जाते हो वैसे ही सुबह जब उठ जाते हो सिर दर्द गायब है? कितने लोगों का अनुभव है सिर नहीं दुखता है? कितने लोगों का अनुभव लिया है? काफी लोगों ने लिया, ग्रेट। कितने लोगों का यह अनुभव है रात को सोने के समय पे आपके हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, और आपने काफी काम किया है आज और बहुत ही पेन हो रहा है, लेकिन रात को सो जाते हो ना, सुबह उठते हो तो पूरा शरीर का दर्द है वो गायब हो जाता है? कितने लोगों का अनुभव है? काफी लोगों का, मेरा भी है। देखो, अनोइंगली हमें पता नहीं है, अगर हम नींद में ऐसा कुछ तो भी मिलता है लेकिन हम जानते नहीं है, उस सिचुएशन में हमारा माइंड सबकॉन्शियस होता है, जागृत नहीं होता, और उस समय पे हमें एनर्जी मिलती है जिसे मैं कहूँ कॉस्मिक एनर्जी, जिसे दुआ, जिसे एक हायर ऊर्जा, ब्लेसिंग्स, ये सभी चीजें आशीर्वाद कहते हैं। और जरूर कहूंगा ये कॉस्मिक एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन ये एनर्जी कहाँ मिलती है ज्यादा पता है? एक ही माध्यम है जिस एनर्जी को हम बांट सकते हैं, और वो क्या है पता है? वो है हमारे फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज्यादा रिसीव करना है उसके लिए आपको रोजाना एक चीज करनी पड़ेगी, और वो है कॉन्शियसली ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेशन में एनर्जी 100% मिलती है। कैसे मिलती है ध्यान से सुनो, आप आंखें बंद करो, हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो और आंखें बंद रखो। ये जो सिस्टम है तीनों जगह से एनर्जी बाहर निकलती है, उसको बंद करो, एक सर्किट क्रिएट होगा, यानी एक ऐसा सर्किट जो आपके सराउंडिंग एनर्जी घूमेगी। आंखें बंद है, विचार इतने आएंगे जो आपको ध्यान नहीं करने देंगे, इस विचारों को आने दो, अच्छी बात है। देखो मैं हमेशा कहता हूं विचार आ रहे हैं ना, आने दो, क्लीनिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग। जैसे बर्तन को अगर आप पानी के नीचे रखोगे, बर्तन पूरा गंदा है तो पहले घानी निकलेगी, बर्तन तुरंत साफ हो ही नहीं सकता। विचार आ रहे, गंदगी है, उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस करना है, और वो क्या है पता है? आपको ये विचारों को बचने के लिए सांसों के ऊपर ध्यान देना है, जो हमने बचपन से सुना है। ये सांसें जो है आपको देखनी है और काउंट करनी है, और नीले कलर की देखनी है, एक सांसें, दो, तीन, चार, ये ब्रीदिंग को देखना है, 10 से 15 ब्रीदिंग अगर आप देख लेते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग की जो स्टाइल है वो कम हो जाती है,
आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है और इतनी स्लो कि नाक में खेलती है, उससे भी कम हो जाती है, दोनों आंखों के बीच में प्रकाश का रूप लेती है। इस अवस्था में ना कोई सांसें होती है, इस अवस्था में ऐसा लगता है बॉडी का वेट जीरो है। इस अवस्था में हमें इतना रिलैक्स लगता है, शांत होता है मन, बाहर की आवाजें बंद है, और आसमान से जब आप कल्पना करते हो एक ब्लू कलर की लाइट, एक कॉस्मिक एनर्जी, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक हायर एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, इस अवस्था तक जाने के लिए काफी समय भी लगता है और विचार को कंट्रोल भी करना होता है। काफी कम लोग जाते हैं, लेकिन जो जाता है ना वो कभी मेडिटेशन छोड़ ही नहीं सकता। ये जो एनर्जी है हमारे दूसरे शरीर को मिलती है, जिसे मैं कहता हूं एक अदृश्य शरीर, नाड़ी का, यानी हमारा इतरिक बॉडी। हमारा शरीर नाड़ी से बना हुआ है। नाड़ी मतलब वेंस नहीं, नाड़ी मतलब एनर्जी ट्यूब्स, जहां से एनर्जी पूरे शरीर में जाती है। अभी ध्यान से सुनिए, ये जो नाड़ियां है 72,000 है पूरे शरीर के अंदर, और ये नाड़ी जहां पे भी इंटरसेप्ट होती है, इंटरसेप्ट यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, वहां पे चक्र फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनिए, चक्रास, हमारे शरीर के अंदर 112 चक्र है, लेकिन स्पाइन के अंदर ज्यादा नाड़ी इंटरसेप्ट हो गई है, इसलिए हमारे जो मेन 7 चक्र है, जो एनर्जी उस चक्र से अंदर गुजरती है, चक्र घूमते हैं, चक्र के भी अपने अपने कार्य है। और जरूर कहूंगा आपके बच्चों के लिए ये क्यों जरूरी है, आपके लिए मैं क्यों सिखा रहा हूं, मेरा क्या मकसद है ये सिखाने, एक ही चीज से, और जो मैं अभी दिखा रहा हूं ध्यान से, पूरा मैं चाहता हूं पूरा फोकस, सभी बच्चे सभी पेरेंट्स प्लीज 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 प्लीज, पूरा फोकस मेरा अभी यहां पे चाहिए, पूरा ध्यान। आने वाले एक मिनट के अंदर मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे वर्कशॉप का निचोड़ है, सार है। क्या है देखिए ध्यान से, ये जो एनर्जी का बॉडी है, इसके अंदर अगर एक चीज जो हम चाहते हैं डेली बेसिस पे हो है एनर्जी, जो हमारे जिंदगी के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई हो, काम हो, या फिर सफलता हो, उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। और अगर एनर्जी की कमियां हैं क्या होता है, देखो हम जब मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या फिर नींद भी लेते हैं, उस समय पे अगर आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, ये विचार क्या कर रहे हैं पता है, आप ध्यान कर रहे हो, आसमान से एनर्जी जा रही है, लेकिन शरीर में जाने के लिए जो बीच में विचार है ना, वो बांध क्रिएट कर रहे हैं, बांध यानी विचार अंदर एनर्जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, और ये विचार क्या कर रहे हैं, आगे चल के अगर आपके नाड़ी के शरीर में एनर्जी की कमी अगर हो गई, आगे चल के आपको बीमारी आएगी बड़ी बड़ी, आंखों में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, हाथ दुख रहे हैं, चेस्ट दुख रहा है, हार्ट डिसीज हो गया है, या फिर स्टमक में पेन है, या फिर इंसुलिन की कमी है, शुगर हुआ है, बीपी, थायराइड, ये सभी प्रॉब्लम, ये क्यों है पता है, आज ये प्रॉब्लम बढ़ भी रहे, क्यों है पता है, एनर्जी की कमी। ध्यान से सुनो मम्मी पापा बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, हमारी पूर्वज दादा दादी 100 साल 110 साल जीते थे, क्यों पता है, उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग था, उनके जीवन में विचारों के प्रमाण कम था, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम थी और स्ट्रेस कम था। आज के समय पे जो इंसान जितने ज्यादा लेवल पे काम कर रहा है, जितने ज्यादा पोस्ट पे है, उसके विचार उतने ज्यादा है और वो उतना स्ट्रेस ले रहा है, उतने जीवन में उतने तकलीफें और उतने ही ज्यादा बीमारी से वो घिरा हुआ है। रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, और नींद में जो हमें एनर्जी मिलती है वो इम्प्रॉपर है, माने फिर 10% है, क्योंकि वहां पे जागृत मन नहीं है लेने के लिए, अर्ध जागृत मन है, इसलिए कम आती है, जागृत अवस्था में ज्यादा आती है। और जरूर कहूंगा आपके बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये जो कॉस्मिक एनर्जी का जो प्रमाण है, वो जो बच्चों को मिलना चाहिए प्रॉपरली, वो नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल खेलते हैं और पूरा दिन लगे हुए है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है ना आपके ब्रेन के अंदर, आंखों के अंदर पूरा खींच ले रहा है वो मोबाइल, वो टीवी, और उससे बच्चों की मेमोरी के ऊपर, बच्चों के आंखों के प्रॉब्लम के ऊपर, बच्चे का ना सुनना, चिड़चिड़ करना या फिर गुस्सा करना, ये सभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जरूर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, मैं सभी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। अगर आपने एक मूवी देखा होगा, एक मूवी सभी ने देखा होगा, चिट्ठी वाला, हाँ, पक्षीयान, बच्चों ने देखा होगा चिट्ठी, अक्षय कुमार का, रोबोट 2 किसने देखा है, हाथ ऊपर करो, रोबोट 2,
2.0 कवि सविल ने कहा, उसमें बताया है कि साक्ष्य कुमार बताते हैं मोबाइल की खेलने से, मोबाइल की वजह से पक्षी मर रहे हैं। क्यों मर रहा है पता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पूरा मोबाइल जो है पक्षी को, जो टावर से उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं वो सभी जो पक्षियां हैं वो मर रहे हैं ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जरूर कहूंगा आपके बच्चे जितना ज्यादा मोबाइल खेलेंगे, टीवी देखेंगे, उतना वो एनर्जी कम होगा और ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और आपके बच्चे आज जो चश्मा लगा हुआ है ना, आगे चल के हमारे फ्रेंड्स काफी तकलीफ आएगी हार्ट। और मैं बताऊं ये जब मैंने रेखे में सिखा था ये सभी चीजें, और मैं बताऊं एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन, बताओ क्या सोल्यूशन है इसका। आपका बच्चा मोबाइल खेलता है, आई नो क्या डिजिटल हुआ है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, आप अभी सीख रहे तो वो भी मोबाइल पे चालू, लेकिन ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन है उसको बचने के लिए। ध्यान से सुनिए, अगर आप और आपके बच्चे रोजाना 20 मिनट का ध्यान अगर करते हो, उस ध्यान के अंदर आप देखते हो जो एनर्जी है ना वो आपके अंदर जा रही है, आंखों में जा रही है, कान में जा रही है, नाक में जा रही है, मुंह में जा रही है, स्टमक में जा रही है, चेस्ट में जा रही है, पेट में जा रही है, दोनों हाथों में जा रही है, पूरा शरीर जो लाल कलर का था यानी बीमारी थी वो ठीक होके पूरा शरीर ब्लू हो रहा है, नीला कलर का शरीर यानी हेल्दी बॉडी है। और ये नीला कलर का शरीर अगर है तो आपके बच्चों के सभी प्रॉब्लम खत्म है। क्या हुआ? सभी प्रॉब्लम। तो 20 मिनट का ध्यान मैं चाहता हूं, जैसे अक्षय कुमार चाहते कि मोबाइल बंद करो, मैं भी चाहता हूं आपके बच्चे भी मोबाइल बंद करो, कम खेलो, मगर खेलो, लेकिन अगर आप 20 मिनट का ध्यान करते हो ना, आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी जो आती है नाड़ियों के अंदर वो बैलेंस है, वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर खींच भी लेता है मोबाइल, आप सुबह ध्यान करो वो एनर्जी आपको मिलेगी जो नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया है, उसको रिसीव करना है। तो कितने लोग आज हमें प्रॉमिस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर कि रोजाना 20 मिनट का ध्यान करेंगे, 20 मिनट का, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं? मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं, ग्रेट ग्रेट। मैं चाहता हूँ कि ये दिल से मैं चाहता हूँ, जब मैंने अपने एज में 25 साल का था ना, ये चीजें मैंने देखा, ये चीजें का अनुभव लिया एनर्जी का, तब से अभी तक मैं मेडिटेशन रोजाना करता हूँ ध्यान से, मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। और बच्चे को बोलोगे नहीं करेंगे, बच्चे को बोलोगे बेटा मेडिटेशन कर, नहीं करेगा, बच्चे को बोलना नहीं है, मम्मी पापा आपको खुद बैठना है। अगर आप बोलोगे बच्चा नहीं करेगा, आप करोगे बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा। मेरा 5 साल का बेची है, मैं करता हूँ बाजू में बैठ दिया, तो जरूर कहूंगा। लेकिन एक बात भी जरूर कहूंगा, वो क्या है पता है? जब तक आप एनर्जी का अनुभव नहीं लेते ना, उस कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव नहीं लेते ना, तब तक आपको मेडिटेशन में मजा नहीं आने वाला, मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था, 1.5 महीने लगे थे मुझे, 1.5 महीने उस एनर्जी का अनुभव लेने के लिए, 1.5 महीने, लेकिन जब लिया कभी ध्यान नहीं छोड़ा। मैं आपको वही अनुभव देना चाहता हूं जो कॉस्मिक एनर्जी का है, जिसने हमें किसी को ने सिखाया नहीं है, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो कितने लोग हैं जो कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव लेना चाहते हैं आज? 5 मिनट के लिए मैं अनुभव देना चाहता हूँ, ओनली फॉर 5 मिनट्स के अंदर वो आएगा, जरूर कहूंगा सभी लोग अनुभव लेंगे आप। और सभी लोग जब इकट्ठा ध्यान करते हैं ना, एनर्जी का फ्लो ज्यादा आता है, उसके लिए जगह टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका विश्वास चाहिए, बस फेथ चाहिए। जितना ज्यादा विश्वास है, जितने विचार कम है, उतना को आएगा। लेना चाहते हैं अनुभव, एक काम करना है, फिर उसके लिए आपको क्या करना है, रुमाल पट्टी ओढ़नी लेनी है, ये सीरियसली करना है। ये नहीं करोगे तो इस वर्कशॉप का आने का आपका भी टाइम खराब हुआ, मेरा भी टाइम खराब हुआ। और ये बताओ, ये वर्कशॉप लेने के लिए आप फ्री कर रहे हो, फ्री आपको पैसे नहीं लग रहे, लेकिन मैंने बहुत खर्च किया आज, यस यस बताओ, मैंने बहुत आज खर्च किया आपको बुलाने के लिए, जरूर कहूंगा। आपके समय की कदर कर रहा हूं और मेरे समय की कदर कर रहा हूं, मुझे 100% आपके साथ चाहिए। जो भी बच्चा आज अनुभव लेगा ना, जो भी मम्मी पापा अनुभव लेंगे, मैं चाहता हूं यहाँ पे सभी तो नहीं लेकिन एक के भी जीवन में बदलाव आया ना, तो मेरा ये वर्कशॉप लेने का जो मेरा मिशन है वो पूरा हो गया। जिंदगी में आके मैंने जो भी चीजें पाया हूं, जो भी सीखा हो, अगर एक भी जिंदगी के अंदर, एक भी इंसान के अंदर वो बदलाव आया, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा लाइफ का आने का पर्पस भी पूरा हो गया। तो हम एक अनुभव लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव है, तभी जाके आप रुक के सुन रहे हैं। तो आपको पट्टी या रुमाल जल्दी से जल्दी बांधनी है, विदाउट कोई टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा ही है। सो प्लीज आपको आंखों पे रुमाल या पट्टी बांधनी है कोई भी, और वीडियोस को ऑन रखना है, मैं सभी को देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं सभी जब ध्यान कर रहे हैं मैं सभी को देखना चाहता हूं, जरूर प्लीज। कोई भी बैठेगा नहीं, और मुझे देख के फायदा भी नहीं है, मेरा चेहरा भी देखो कैसा है, गंदा है गंदा हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे हो,
तो आप अपने अंदर की जो अच्छी वाली दुनिया है, जो एक हायर एनर्जी की दुनिया है, उसको देखो और फील करो माय फ्रेंड्स, एक और एक दुनिया है जिससे हम अनजान है। हमारा एक अंदर का शरीर है, अंदर की दुनिया है, जो संत महात्माएं ऋषि जो अंदर की दुनिया में रहते थे और उधर उनको परम आनंद मिलता था। माय डिफेंस, हमें एक चीज पता है, नींद हमें बहुत अच्छी लगती है ना। नींद में ऐसा लगता है बहुत, ऐसे कहते हैं कि जब हम नींद लेते हैं उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए हमें नींद में मजा आता है, ऐसा लगता है हम ज्यादा नींद ले। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली ध्यान करेंगे ना, उससे भी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन, 10 times से भी ज्यादा आनंद आएगा, परम आनंद, और सभी को मैं देना चाहता हूँ आज, ठीक है। सो प्लीज अपनी आंखों पे रुमाल पट्टी बांधिए, क्योंकि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, मेलाटोनिन, वो अंधेरे में ही सीक्रेट होता है, उसका साइंटिफिक है रीजन। अगर आंखों पे रुमाल पट्टी नहीं रहेगी तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जिसकी कार्य है कल्पना, जिसकी कार्य है विजुअलाइजेशन, वो नहीं बनेगा। सो प्लीज आंखों पे रुमाल पट्टी, बच्चों ने भी करनी है, बड़ों ने भी करनी है, वेरी गुड। और ये थर्ड आई का एक्सपीरियंस रहेगा, हम थर्ड आई का भी मेडिटेशन करने वाले हैं। वाह, मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग एक्साइटेड है करने के लिए, ग्रेट। प्लीज आप अगर ये प्रोसेस करोगे तो मैं चाहता हूं आप नीचे बैठ सकते हो या चेयर पे भी बैठ सकते हो, लेकिन कोई भी स्लीप यानी सो के मत करो, अनुभव प्रॉपरली नहीं आएगा। ऐसे बेड के ऊपर बैठे हो मोबाइल लेके और सो के कर रहे हो देख के, मुझे पता है आप घर पे हो, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होके करना है प्लीज, सीरियसली। वीडियोस को ऑन रखिए, मैं देखना चाहूंगा सभी को, और आंखें बंद। वाव, सभी लोग आ गए हैं, आंखें बंद, ग्रेट, आंखें बंद। बेटा पूजा गौतम, ओके बेटा ऐसे मत बैठो, रुमाल बांधो ना, मैं सभी के नाम अभी कितने बार लो, पट्टी बांधो ना, ओके बेटा पट्टी बांधो, वेरी गुड, सभी ने बांधी है। मम्मी पापा आप अगर आप भी बांधना चाहते तो बांध सकते हो, ओके। गौरव शहर आप पट्टी बांधो ना बेटा, पट्टी बांधो, पट्टी रुमाल, ग्रेट। हाँ काफी लोगों ने बांधी है, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। जो सीरियस करेगा उसका अनुभव, देखो ये 5 मिनट का अनुभव है और हायर एक्सपीरियंस है, जो मेरी काफी दिनों की, जो मैं कहूँ कि जो मैंने अनुभव लिया था, मैं भी आपके साथ करने वाला हूँ, तो जो एक्सपीरियंस मैं देना चाहता हूँ, सच में एक बहुत बड़ी शक्ति भी हमारे साथ है जो इस प्रोसेस में वो आएगी और आपके अंदर वो सभी चीजें मैं चाहता हूँ कि अनुभव दे वो, ठीक है। सभी पेरेंट्स बच्चे आंखें बंद करेंगे, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी सांसें, आपका मन कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप अपने सांसों को देखोगे वैसे ही आप गहरी अवस्था में, एक समाधि की अवस्था में पहुंचोगे, जहां पे आपके विचार शून्य होंगे। मैं 1 से 5 काउंट करूंगा, 5 में आपके विचार शून्य हो जाएंगे। मैं फिर से कहूँ, ये मेडिटेशन काफ़ी डीप होने वाला है, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, क्योंकि ये मौका हमें मिला है अज्ञा चक्र को देखने का। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना 100% दीजिए कोई भी काम में, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, 1, देखिए आपकी नीले कलर की सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। 2, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर देखिए, विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए आपकी नीले कलर की सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। 3, 4, आपके विचार कम हो रहे हैं, सांसों की तीव्रता, स्पीड कम हो रही है, आपका सांस, आपका मन कनेक्ट हो गया है। जैसे जैसे सांसों की स्पीड कम हो रही है, विचार भी कम हो रहे हैं। एंड 5, आप देख सकते हैं आपकी सांसें बहुत ही कम है और आप अपना ध्यान जो है दोनों आंखों के बीच में लेके जाइए, जहाँ पे हम गन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो अपने दोनों आंखों के बीच में सेंटर आपका जो आईब्रोज है वहाँ पे ध्यान दीजिए और वहाँ पे देखिए एक खिंचाव, एक
सेंसेशन, एक दबाव, ऐसा महसूस कीजिए दोनों आंखों के बीच में, जो भी फील हो रहा है उसे बस महसूस कीजिए। और देख सकते हैं वहां पे अज्ञा चक्र, अज्ञा चक्र तीन बार मेरे साथ बोलना है, आप चाहो तो जोर से भी बोल सकते हो। अज्ञा चक्र, अज्ञा चक्र, अज्ञा चक्र। दोनों आंखों के बीच में देख सकते हैं एक सर्कल, एक शेप आपको दिख रहा है, सर्कल जो अज्ञा चक्र का है, उसके अंदर ओम लिखा हुआ है और वो अज्ञा चक्र घूम रहा है। आप अगर देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते तो आप कल्पना भी कर सकते हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन, उसके पास पावर है कल्पना शक्ति की। देखिए किस तरह से आपका अज्ञा चक्र घूम रहा है। चेहरे के ऊपर स्माइल रखिए, चेहरा हंसता हुआ आपका, आपके अंदर इमोशंस आपके हैप्पी वाले होने चाहिए, तब जाके आपको विजुअलाइजेशन बढ़िया हो जाएगी। आप एक्सपीरियंस करोगे उस एनर्जी का जो आपके अंदर आने वाली है। आप देख सकते हैं किसी किसी को ये चक्र नीले कलर का, किसी किसी को ये चक्र घूमता हुआ, किसी किसी को ये चक्र ज्योत के स्वरूप में दिख रहा है। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखिए, जहां पे हम गन लगाते हैं, टीका लगाते हैं। आप देख सकते हैं आसमान से एक नीले कलर का प्रकाश, ब्लू कलर की लाइट आसमान से आ रही है और वो लाइट आपके दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई या आपके सिर के ऊपर क्राउन चक्र है, आपके सिर से वो पूरे शरीर में जा रही है। आपका चेहरा स्माइल रहना चाहिए। आप देख सकते हो वो पूरी एनर्जी आपके पूरे शरीर में, रग रग में जा रही है, कन कन में जा रही है। और आप देख सकते हैं आपका नाड़ी का बना हुआ शरीर, इत्रिक बॉडी, आपका नाड़ी से बना हुआ शरीर जिसके अंदर ये एनर्जी पहुंच रही है। आप महसूस कीजिए आपके सिर से वो पूरे शरीर में जा रही है। तो आप देख सकते हैं आपके सिर में, आपके गले में, आपके पेट में, आपके शोल्डर में, जहां जहां पेन है, हो सकता है कोई पेन, कोई दर्द जो काफी दिनों से है, तो वहां पे लाल कलर का पैच, लाल कलर का धब्बा, वो आप विजुअलाइज कीजिए या देख सकते हैं वो लाल कलर का पेन, उसमें वो एनर्जी, उसमें वो कॉस्मिक लाइट जा रही है और वो लाइट उस पेन को जो है, उस लाल रंग को ब्लू बना रही है। वाओ, महसूस कीजिए आपके शरीर में जहां पे पेन है वहां पे आपका ध्यान लेके जाइए, वहां पे आपको लाल कलर का पैच दिखाई देगा और वहां पे आप देख सकते हैं कि वो नीले कलर का जो प्रकाश है, एक चमक है, वो हो रहा है, लाल से नीले कलर का प्रकाश में वो कन्वर्ट हो रहा है। वाओ, चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल लेके आइए और आप देख सकते हैं पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, पूरा शरीर ब्लू लाइट से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं ये ऊर्जा आपके शरीर में जब आ रही है कितना अच्छा महसूस होता है। फील करिए और आप देख सकते हैं वो एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो वैसे वैसे वो एनर्जी आ रही है और आपका शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल रखते हुए दोनों हाथ रफ कीजिए। मैं चाहूंगा कि आपके दोनों हाथ रफ कीजिए, आपके दोनों हाथ जोर से रफ करने हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आपके दोनों हाथ आसमान में लेके जाइए, मतलब आपके जो हाथों के तलवे हैं आसमान की तरफ रखिए,
और आप देख सकते हैं दोनों हाथ अलग अलग सेपरेट कीजिए। आपको दोनों हाथों को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है और आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ रखिए। और आप देख सकते हैं आसमान से वो नीले कलर का प्रकाश आपके हाथों के अंदर एक दोनों हाथों के सेंटर से वो गुजर रहा है। तो जब वो गुजर रहा है तो आप फील कीजिए, महसूस कीजिए कि दोनों हाथों के सेंटर में एक एक चक्र है, एक एक चक्र घूम रहे हैं तेजी से, एक एक चक्र बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं। और वो एनर्जी, वो ब्लू लाइट, एक एनर्जी का अनुभव वो पुश कर रही है आपको, वो धक्का दे रही है और आप महसूस कीजिए कितना अच्छा लगता है। वाव, कितना अच्छा ये फीलिंग है, वाव। और आप देख सकते हैं आपका शरीर पूरी तरह से चमक रहा है, आपके शरीर से नीले कलर का प्रकाश पूरे बॉडी में चमक रहा है। आपका जो ओरा है, आभा है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है। तीन बार मेरे साथ कहना है इस एनर्जी को, थैंक यू एनर्जी, थैंक यू एनर्जी, थैंक यू एनर्जी। दोनों आंखों के बीच में ध्यान लेके जाइए, आपके थर्ड आई को देखिए, अज्ञा चक्र को देखिए और उन उससे भी बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे स्माइल, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रखिएगा और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आपका पूरा शरीर शक्तिशाली हो गया है, आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। बच्चे हैं तो मेरे साथ कहिए, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है। बच्चे ये भी कहेंगे, मुझे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। स्माइल के साथ बोलना है, चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल, मेरी स्मरण शक्ति इतनी बड़ी है कि मैं जो कुछ पढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। मेरी राइटिंग की स्पीड, रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है। जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोलना है मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा मन शांत है। आप देख सकते हैं आपका शरीर पूरा नीले कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर। इस आज्ञा चक्रों को, इस एनर्जी को, इस कुदरत को, नेचर को, आप जिस भगवान को भी मानते हैं उन्हें याद कीजिए, उनको अपनी आंखों के सामने लेके आइए। वो चाहो राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, भगवान बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं, उनको याद कीजिए। उस दुआ को, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, स्माइल के साथ उन्हें धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही एहसास रोजाना हम लेंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे और रोज मेडिटेशन से आप देखेंगे कि अपने आप को कितने बदल गए हैं। ये मौका जो आज हमने पाया है, जो भी सफल इंसान है वो रोज प्रयत्न करते हैं तभी जाके वो सफल होते हैं। यही चीज नेचर, कुदरत चेक करती है, भगवान चेक करते हैं कि हम रोजाना ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो वो नतीजे भी हमें दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को, मम्मी पापा, सभी परिवार ये ध्यान का अनुभव लेंगे। हम पूरा परिवार एक साथ बैठेंगे, आज ही
प्रण लेंगे, उस भगवान को, उस एनर्जी को कहेंगे कि हम रोज आपको मिलेंगे, आपको रोज याद करेंगे, आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आप देखोगे कि आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं से आपके जीवन में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, सकारात्मक दोस्त बनेंगे और आप खुद सकारात्मक हो जाओगे। जो भी इस एनर्जी को पाए हैं, उन्होंने महान कार्य किए हैं, ऐसे ही महान कार्य सभी के हो, यही हम दुआ करें। सभी का मंगल हो, सब स्वस्थ मुक्त हो, सब का मंगल हो। थैंक यू इस एनर्जी को जितने आप दिल से थैंक यू कहोगे वो और आएगी और आएगी और आएगी। पूरा शरीर आपका नीले कलर का बन गया है, आज्ञा चक्र आप देख सकते हैं, आपके सातों चक्र का दर्शन भी आपको आज होगा या हो रहा है। आपके सात चक्र, सिर के ऊपर सहस्रार चक्र, लोटस जैसा आपको दिखता होगा, दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई चक्र, आपके थ्रोट चक्र को देखिए कितना खूबसूरत है, गले के ऊपर ग्रीन कलर का हार्ट चक्र देखिए कितना वो खूबसूरत है, आपके पेट के ऊपर है मणिपुर चक्र, आपके पेट के नीचे स्वादिष्टान चक्र, आपके मनके के लास्ट एंड में देखिए मूलाधार चक्र, ये सातों के सात चक्र का अनुभव भी आप ले सकते हैं। स्लोली स्लोली इस प्रोसेस से बाहर आएंगे, आपको आने बाहर रहने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। मैं एक से लेके पांच काउंट करूंगा, पांच से आप बाहर आओगे। बी रेडी, वन, स्लोली स्लोली बाहर आना है, टू, थ्री, फोर, स्लोली स्लोली बाहर आइए, एंड फाइव, दोनों तरफ कीजिए, आपकी आंखों के ऊपर लेके जाइए और जो आज्ञा चक्र है उसके अंदर पेटल्स है, फूल है वो, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उस खुशबू को लीजिए, आपको एक स्मेल आएगी। स्लोली स्लोली आंखें ओपन कीजिए, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं चाहूंगा कि कितने बच्चे बड़े हैं जिन्होंने एनर्जी का अनुभव लिया, वाह वाह वाह, काफी लोग। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने शरीर के अंदर बीमारी देखी और अभी ऐसा लग रहा है कि अभी बीमारी नहीं है, लाल लाल शरीर था हमारा थोड़ा बहुत, कितने लोगों ने देखा, रेड कलर के पैचेस थे। माय डियर फ्रेंड्स, रेड कलर के पैचेस आने वाले समय पे बीमारियां देते हैं, इतने बीमारियां कि आप उसको अभी से ठीक कर सकते हो, रीकी जैसी साइंस को सीख के। रीकी एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है जिससे हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, ऊर्जा एक हायर एनर्जी हमारे फ्रेंड ब्लेसिंग है। कितने लोग आज से मुझे वादा करते हैं कि 20 मिनट का हम रोजाना ध्यान करेंगे, हाथ ऊपर करो, प्रॉमिस करोगे, यही अनुभव रोज लोगे और अपने बच्चों के लिए। माय फ्रेंड्स, मम्मी पापा ध्यान से सुनिए, आप खुद करो, बच्चे को मत बोलो, बच्चा ऑटोमेटिकली बैठेगा क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो देखता है। एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है, ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है, ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क
यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। कितने लोगों को खिंचाव खुजली यहाँ पे हो रही है, थर्ड आई के पास दोनों आंखों के बीच में खिंचाव लग रहा है, खुजली लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई तो भी पेन हो रहा है, हाथ ऊपर करो। वाह वाह, और कितने बच्चों को ऐसी जोत दिखाता, जोत कैंडल की फ्लेम, हाथ ऊपर करो। अरे वाह वाह, काफी बच्चे हैं, वेरी गुड। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। ध्यान से सुनो हमारे फ्रेंड्स, सभी मम्मी पापा ध्यान से सुनिए, ये जो चक्र है हमारे शरीर के अंदर, इसे एनर्जी के सर्किट कहते हैं। यानी हमारे जीवन में जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हमारे स्पाइन के अंदर बड़े बड़े ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे पैनक्रियास है, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे थायराइड, हमारा जो गला है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ये सभी जो चक्रास है ना, ये हमारे स्पाइन के एग्जैक्टली चक्रास है, और वो चक्रा कनेक्टेड है हमारे ऑर्गन्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। और जब ये चक्रा के अंदर जितनी ज्यादा ये एनर्जी पहुंचेगी ना, ये हाई एनर्जी, हमारे ऑर्गन स्ट्रांग रहेंगे, और ये ऑर्गन स्ट्रांग होने से जैसे ब्रेन की पावर बढ़ेगी, या फिर आपका जो आवाज है वो अच्छा होगा, हार्ट अच्छा काम करेगा, पेट के अंदर इंसुलिन काम करेगा, यानी सब कुछ बैलेंस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी इस एनर्जी लेके आंखें बंद करके देखने की जो पावर है, जिसे मैं वो कहूं कल्पना, वो इतनी बढ़ेगी कि आंखों से भी ज्यादा क्लियर आपको बंद आंखों से दिख जाएगा। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। ये जो करने से, रोजाना ध्यान करने से, इससे हमारी हरकतें बदलेगी, यानी स्वभाव में बदलाव आएगा, इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, विश्वास यानी आत्मविश्वास। तीसरा है हमारी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़ेगा। और जो ओरा है, ओरा यानी आभा, ये हायर एनर्जी की जो वाइब्रेशंस है, एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस है, आपके अंदर से निकलती रहेगी कंटिन्यूस। इसी के रेफरेंस में हम एक कोर्स डिजाइन करते हैं, एक कोर्स हमारा है जो मैं आपको इन्विटेशन देने वाला हूं आज उस कोर्स में। ये पूरे एक महीने का है, जो हम बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना सिखाते हैं, आंखें बंद करके कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स होते हैं बढ़ने के लिए, आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कुछ चीजें बताते हैं। मैं बताओ, उस कोर्स में जब हम एडमिशंस लेते हैं आपका, जब अभी मैं बताऊ उस कोर्स के बारे में, जब आप एनरोल करते हैं उस कोर्स के अंदर, पहले दिनों से यानी पहले दिनों से आपके अंदर काफी बदलाव आना शुरू होता है, आपको आंखें बंद करके दिखना शुरू होता है। 7 दिनों तक, आने वाले 7 दिनों तक जब आप ये प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, आपको इमेज आइडेंटिफिकेशन, कलर आइडेंटिफिकेशन और बहुत कम रीडिंग आ जाता है 7 दिनों के अंदर। 10 दिनों के अंदर आपको जो है अच्छा सा रीडिंग आ जाता है प्रैक्टिस करके, और आप रीड करते हो। 15 दिनों के बाद आप जब रीड करते हो तो आपकी कल्पना शक्ति में इतनी इंप्रूवमेंट हो जाती है कि आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया, ऐसे बाजू में रखा, बुक ऐसे बाजू में रख दिया, तो आपका माइंड उसे उल्टा भी पढ़ सकता है। यानी आपका माइंड एक स्कैनर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्कैनिंग मशीन। इतनी अमेजिंग पावर हमारे अंदर है, उसे कहते हैं थर्ड आई। यानी आपका बच्चा कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली रीड करेगा, जहां पे 90% पावर है, जहां पे हमारी स्मरण शक्ति है। ये जब जागृत अवस्था में बच्चे पढ़ते हैं तो ये कल्पना नहीं है, और आंखें बंद करके पढ़ते तो कल्पना है, और हमारी कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा अच्छी होती है मेमोराइज करने के लिए कि वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वो जो इमेज है वो हटेगा नहीं, वो याद रहेगा हमेशा के लिए। ये मैं कहता हूं और जरूर कहूंगा। इसके ही रेफरेंस में स्वामी रामदेव बाबा जब ये चीजें अपने बच्चों को हरिद्वार में सिखाते हैं, थर्ड आई के बारे में जब वो बताते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आपके बच्चे एक स्कैनिंग मशीन बन जाएंगे, आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पीनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है।
तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग, कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं, यानी हम ये चीज सीखे अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं, आपको ये चीजें सिखाना चाहता हूं। तो हमारा एक महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम टेक्निक यूज करते हैं थर्ड एक्टिवेशन का, उसमें बताने जा रहा हूं कि उसके अंदर बच्चों को इतना डेवलप करते जो नेक्स्ट लेवल है थर्ड एक्टिवेशन की, जो एडवांस लेवल है, जहां पे बच्चे कोई भी किताब स्मेल लेके किताबें पढ़ते हैं जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कितने लोग है जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस कोर्स के बारे में, कितने लोग है अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ओके, काफी लोग है, काफी लोग है। और जरूर कहूंगा ये कोर्स करने के बाद जो है आपको मैं कुछ चीजें बताऊं, ये कोर्स करने के बाद आपके बच्चों में इतना बदलाव आता है कि 7 से 8 दिनों के अंदर ही बच्चों के अंदर जो मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो पावर है इतनी डेवलप हो जाती है कि हमारे एक स्टूडेंट है, देखिए ये फॉरेन कंट्री से है, यानी विदेश से है, बांग्लादेश से है हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावा ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपके मोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 वीक यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स के मामले में ये बहुत जबरदस्त चीज है, और मैं आप सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बताने जा रहा हूँ ये चीजें हम घर बैठे सीखने वाले हैं, सभी बच्चों को मैं सिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सच में बताइए, आपको क्या लगता है ये सभी नॉलेज स्कूल के अंदर होना चाहिए था? जैसे हमने अभी सीखा मेडिटेशन, हमने सीखा थर्ड एक्टिवेशन, ये सभी नॉलेज स्कूल में चाहिए था? लेकिन मैं बताऊं, आज स्कूल के अंदर ये चीजें नहीं है, और इसलिए मेरी हमेशा ही चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसको सीख के अपने जीवन में बड़ा कार्य करे। और सबसे पता है इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीजें सीख के जो है ना बच्चा शिक्षा के अंदर, स्टडीज के अंदर इतना पावरफुल होता है। और मैं खुशी की बात बोलूं, आज इंटरनेशनल लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इसे सिखाया जा रहा है। आपने शायद एक नाम जाना होगा, श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग। जब हमने ये चीजें देखी वहां पे भी ये चीजें सिखा रहे हैं, और ग्लोबली यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें सिखाया जा रहा है, और आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये कौन कह रहे हैं? श्री श्री रविशंकर जी। द आर्ट ऑफ लिविंग प्रज्ञा योगा फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ओल्ड हेल्प्स किंडल दिस इंट्यूटिव एबिलिटी एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस to act on their gut feelings. Our knowledge of the world usually comes from the 5 senses. In this program, we train the children to go beyond the 5 senses and tap into the 6th sense. आपने देखा ना intuition, अपना बच्चे intuition process करते देखा आप लोगों ने? बच्चे इंट्यूशन प्रोसेस करते हैं, उनके अंतर चक्षु जागृत होती है, बच्चे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रांति लेके आया गया, अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति आ जाए इससे, हमारा अंतस्पुरण अंतर ज्ञान जागे तो बहुत कुछ हमको प्राप्त होएगा। सो मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सभी जो नॉलेज है हम जो लेने वाले हैं,
ये सभी के लिए नहीं रहेगा। ये नॉलेज मैं उन पेरेंट्स को देना चाहता हूं, उन बच्चों को देना चाहता हूं जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, जो इसकी वैल्यू को जानते हैं, इसकी कीमत को जानते हैं। माय फ्रेंड्स, क्यों पता है? क्योंकि ये नॉलेज जब मैंने सीखा तो मैं सकारात्मक लोगों को ही देना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोग्राम है, पॉजिटिव सकारात्मक प्रोग्राम है। और मैं बताऊं इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है, मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैंने एक बहुत ही सुंदर, मैंने अपने गुरु से एक चीज सीखी थी, वो क्या थी पता है? उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मुझे दिया था कि ये थर्ड आई करते समय तुझे किस चीज को ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव लोगों के पास जाना चाहिए, सकारात्मक लोगों के पास ध्यान वो जाना चाहिए, उनके ये बच्चे जो है काफी डेवलप हो सकते हैं। और जरूर कहूंगा जितने भी यहाँ पे लोग हैं आप पॉजिटिव हो, इसीलिए अभी ये सभी चीजें अनुभव ले रहे हो, सीख रहे हो। एक गुरु अपने शिष्य को बोलता है ये मेरे पास स्टोन है, इसकी क्या वैल्यू है उसको जानना है। वो शिष्य क्या करता है पता है? इस स्टोन को लेता है और स्टोन को लेने के बाद वो एक इसमें जाता है सब्जी वाले के पास और स्टोन को दिखाता है ये मेरे पास स्टोन है इसकी क्या वैल्यू है। वो सब्जी वाला बोलता है कि ये हमारी कुछ काम की चीज नहीं है, लेकिन तू दे रहा है तो मैं तुझे 1 किलो सब्जी दे रहा हूं। वो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो जानता है कि मुझे बस जानना था कि इसकी वैल्यू क्या है। वो आगे जाता है, एक आगे जाने के बाद उसको एक सेठ जी दिखते हैं, सेठ जी के पास जाता है ये मेरे पास स्टोन है इसकी क्या वैल्यू है। सेठ जी बोलते हैं ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये मेरा डेकोरेशन के लिए काम आएगा, मैं तुझे 1,000 रुपए देता हूं, 1,000। वो बोलता है नहीं मुझे जानना था। आगे जाता है एक ज्वेलरी के शॉप में, यस ज्वेलरी के शॉप में दिखाता है ये स्टोन है इसकी क्या वैल्यू है। ज्वेलरी वाले बोलते हैं साफ करते हैं बोलते और ये तुझे मिला कहां पे, ये हमारी काम की चीज है, मैं तुझे 1,00,000 रुपए देता हूं ये मुझे चाहिए। वो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे जानना था। आगे जाता है एक डायमंड के व्यापारी के पास, बोलता है ये मेरे पास स्टोन है इसकी क्या वैल्यू है। वो डायमंड वाले चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो बोलते हैं अरे ये मिला कहां पे। एक कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े के ऊपर रखते हैं, प्रदक्षिणा मारते हैं और बोलते हैं ये अनमोल है, इसकी वैल्यू नहीं है, ये अनमोल चीज है और तुझे हम 1,00,000,000 रुपए देना चाहेंगे, 1,00,000,000 हमें ये चीज चाहिए। वो स्टोन लेता है, गुरु के पास जाता है, कहता है किसी ने कहा 1 किलो सब्जी, किसी ने कहा 1,000 रुपए, किसी ने कहा 1,00,000 रुपए और किसी ने कहा ये अनमोल है, ये करोड़ों की चीज है। गुरु उसे समझाते हैं जिसके पास इसको पहचानने का नॉलेज था, जिसके पास समझ थी उसने उसकी वैल्यू निकाली, लेकिन जिसके पास उसका कोई मूल्य नहीं था उसके लिए वो चीज कुछ काम की नहीं थी। यानी ये थर्ड आई भी वैसी ही है, आज्ञा चक्र भी वैसा है। इसकी वैल्यू माय डिफेंस में क्यों सिखाना चाहता हूं, मैं क्यों पॉजिटिव लोगों को सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो ध्यान करते हैं जो मेडिटेशन करते हैं उसकी मूल्य को उसकी वैल्यू को जानते हैं। मगर अगर आप बस आंखें बंद करके चाहते हो कि मेरा बच्चा रीड करे, किताबें पढ़े, मैं कहता हूं सब्जी पाला है कुछ काम कर, सब्जी मेरे लिए तो वो सब्जी है, 1 किलो सब्जी है। आंखें बंद करके वो किताबें पढ़ रहा है मगर वो पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ला रहा है, स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, मैं कहता हूं कि वो सब्जी नहीं माय फ्रेंड्स, वो 1,000 कीमत है, 1,000। मगर आंखें बंद करके रीडिंग करके वो अपने जीवन में एक बहुत बड़े पोस्ट पे गया है, एक बड़े सफलता के ऊपर गया है, मैं कहता हूं कि वो उसने 1,00,000 रुपए की वैल्यू, 1,00,000 रुपए की वैल्यू किया है बड़े ही लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे देखते हैं आंखें बंद करके उनकी मेमोरी तो बढ़ती है लेकिन उनकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन इस हद तक बढ़ती है। एक मैडम आए, उन्होंने कहा मेरे बच्चों को करना है, उन्होंने एनरोल किया, करने के बाद कहा मेरे बेटी को सर कलेक्टर बनाना है। जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ उन्होंने कहा सर कलेक्टर बहुत छोटा लग रहा है, मेरी बेटी को मैं साइंटिस्ट बनाना चाहूंगी, साइंटिस्ट। जरूर कहूंगा आपकी बच्ची का जो डेवलपमेंट है काफी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए करना चाहते हो तो 1,00,000 है मगर अनमोल, मैं चाहता हूं कि वो अनमोल बने, वो करोड़ों का बने। वो कब बन सकता है? आंखें बंद करके रीड करके अपने जीवन में सभी नकारात्मक चीजों को निकाल के, गुस्सा, टेंशन, नाराजगी, एडिक्शन, ये सभी विकारों को खत्म करके अपने जीवन का पर्पस, अपने जीवन का मिशन, अपने जीवन का जो पर्पस है जीवन में आके वो जान के एक महान कार्य के ऊपर लगा है, हजारों लोगों की करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है और एक बड़े ही लेवल पे कार्य कर रहा है, अपने जीवन में आके एक रोल मॉडल की तरह से जी रहा है, तब मैं कहता हूं ये अनमोल है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे मम्मी पापा जो अपने बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि ये चीजें मैं बताना जा रहा हूं। तो मुझे ये जो डायमंड है यानी
ऐसा पावरफुल डायमंड है जो मैं चाहता हूं कि आपको मैं दूं, और ये डायमंड मैं चाहता हूं कि 10 लाख बच्चों को सिखाना चाहता हूं मैं अपने जीवन के अंदर, उनकी जीवन हैप्पी बने, स्पिरिचुअल बने और एक हाई एनर्जी के साथ कनेक्शन उनका बने, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं। उससे पहले, कोर्स के बारे में जानने से पहले, आपको मुझे अभी बताना है, कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे पहले आप हमें मुझे बताना है ये प्रोग्राम अभी तक आपने जो सुना है, ओके, अभी तक आपने जो भी सीखा है, तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये प्रोग्राम सीखने के बाद, समझने के बाद, जीवन में कुछ नया सीखा आज आपने, नया कुछ जाना, ये प्रोग्राम आपको लगा कैसे, आपको मुझे अभिप्राय देना है, आपको मुझे बताना है कि हाउ वॉज दिस सेशन, चैट में बताना है, आपको ये कुछ नया जिंदगी में सीखा, कुछ नया इंप्लीमेंटेशन आपने किया जिससे आपकी जिंदगी में बदल आया, हाउ वॉज दिस सेशन, ओके, संजना मैम जुड़ रहे, नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, ओके। तो मैं आपके बच्चों को, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आने वाले 10 मिनट में मैं आपको एक कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रोग्राम आपको 1 घंटे में अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों को जिंदगी भर में आपको सिखाऊं, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ जिंदगी भर में रहूं, तो ऐसा एक प्रोग्राम जो लाइफ टाइम के लिए है, यानी ये 30 दिनों का नहीं है, हम आपके बच्चों को लाइफ टाइम सिखाने वाले हैं, और ये जो लाइफ टाइम की जर्नी रहेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी डीप है, और मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट कभी बच्चे ना भूले, कभी पेरेंट्स ये कंसेप्ट को ना अपने जीवन में उतारिए, हर एक क्षण के ऊपर, हर एक परिस्थिति में, आपके हर एक क्षेत्र के अंदर इसका आपको कार्य लेना है, बेनिफिट्स लेना है। ये 30 डेज का मेरा अमेजिंग प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिए, 6 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए मैंने बनाया, आने वाले समय पे मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए जो बच्चों की जिंदगी बदल देने वाला है। 6 से 15 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उस समय पे बच्चे डेवलपमेंट की अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में बच्चे का जो माइंड है वो अल्फा में रहता है, यानी जो एनर्जी है वो ज्यादा जाती है, टेंशन नहीं रहता। अभी आप कहोगे सर आप आंखें बंद करके देख सकते हो क्या, मेरा जवाब रहेगा नहीं, मैंने इस जाना था 25 साल की उम्र में, 25 एज की उम्र में मैं आंखें बंद करके नहीं देख सकता। लेकिन आप कहोगे बच्चे कैसे करेंगे सर, ये जिम्नास्टिक जैसा है, जिम्नास्टिक में जरूरी नहीं कि हमें भी वो स्ट्रेचिंग आए, जरूरी नहीं कि हमें भी आए, हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और वो बच्चे ही सीख सकते हैं, जिम्नास्टिक बच्चे ही करते हैं, क्यों पता है, क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उसी तरह से माइंड भी फ्लेक्सिबल है। और बच्चों को मैं सिखाने जा रहा हूं जो 5 से लेकर 15 के हैं, अभी 16 से लेकर 20 के बच्चे हैं, या 25 के बच्चे, या 30 के हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिवेशन करने के लिए समय लगेगा, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। लेकिन 6 से 15 है तो उन्होंने आंखें बंद करके आज कोर्स को एनरोल करना है। डेली 1 घंटे का वीडियो रहेगा, 15 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, वीडियो रिकॉर्डेड है आपके टाइम के मुताबिक, 15 मिनट का मेडिटेशन भी रिकॉर्डेड है आपके टाइम के मुताबिक रहेगा। ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपको मिलेगा, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। हमारा एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, वहां पे ये रखे हैं, उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। इसका एक छोटा सा अमाउंट है जो सभी के लिए एक अफोर्डेबल है, यानी यहाँ पे हर एक बच्चा कर सकता है, गरीब का बच्चा भी ये चीजें सीख के अपने जीवन में बदलाव क्रिएट कर सकता है। अमाउंट इसीलिए लेना चाहता हूं कि आप मुझे सीरियस बच्चे चाहिए और सीरियसली मैं सभी चीजें आपको दूं, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर जो मेरे पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊं क्या रहेगा। इसमें म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे जो ब्रेन के शक्तियों को बढ़ाएंगे, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, ब्रेन जिम रहेगा, ब्रेन डांस रहेगा। इसके अंदर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे 7 चक्रास को एक्टिव करेंगे। इसके अंदर कुछ आंखों की एक्सरसाइज रहेगी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और त्राटक रहेगा। इसमें कुछ कल्पना को बढ़ाने के लिए गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। अगर आज आपने ये कोर्स एनरोल किया, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो वीडियो को अभी देखना चाहते हैं, किस प्रकार के? वाह, वेरी गुड। काफी पेरेंट्स कहते हैं सर ये वीडियो कैसे है, हमारे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा पता चलेगा? मैं कहता हूं हमने जब बनाते समय बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार बनाया है, इसमें आपको मजा आएगा। जैसे अगर आज आप एनरोल करते हो, अगर कल आपको कोई वीडियो देखना है तो ये देखना है Day 1 का, एक स्टैचू बनाने वाला हो, जिस 5 सालों के बाद वो जो मत मारो मत मारो मत मारो, yeah.
चिकन काफी बच्चे ऐसे करेंगे, मम्मी पापा ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना। यानी ये जो वीडियो बनाते समय हमने पूरी चीजों को ध्यान रखा है, यानी बच्चों को एंटरटेन लगेगा, इसमें पढ़ाई नहीं है, इसमें एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, डांस रहेगा, म्यूजिक रहेगा, ब्रेन जिम रहेगा और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पजल्स रहेंगे, बहुत मजा आएगा, बच्चे एंटरटेन करेंगे और मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे। जरूर कहूंगा ये वीडियो देखते समय आपको टेंशन लेना नहीं है, रेडीमेड बनाया हुआ है, यानी बच्चों को बिठाना है और बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते जाएंगे, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बच्चों के साथ बैठना है। ये वीडियो आप कहाँ पे देखोगे, टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, कोई भी चीज चलेगी, मोबाइल ये तो भी चलेगा। ये करते समय हमें नीचे बैठ के करना है, कोई भी सोफे के ऊपर बैठेगा सोके करेगा नहीं, मुझे एक क्लास का एनवायरमेंट चाहिए, नीचे मैट बिछा सकते हो, योगा मैट हो सकती है अच्छी है, नहीं तो नॉर्मल मैट या कारपेट के ऊपर बैठो। ये जो प्रोसेस है पेरेंट्स साथ में रहेंगे, मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस बच्चा अकेले नहीं करेगा, वीडियो देखते समय मम्मी पापा मुझे कंपलसरी चाहिए। क्यों पता है, मैं पेरेंट्स आपके लिए ट्रेनिंग देना चाहता हूं। मम्मी पापा ध्यान से सुनिए, मैं आपको इस लेवल का एक्सपर्टीज देना चाहता हूं जिससे सभी चीजें मुझे आती है ना, वो सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज, हर एक डाउट्स, हर एक क्वेरीज मैं आपको बताऊंगा कैसे आंखें बंद करके आप बच्चों को डेवलप कर सकते हो और उसके जो नेक्स्ट लेवल है उसे कैसे पा सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर वर्कशॉप है पेरेंट्स के लिए, अभी ये सीख के वो भी अपने एक्टिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े भी एक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन परसेंटेज कम है, 40% पेरेंट्स आंखें बंद करके देखते हैं जो हमने मम्मी पापा को सिखाया, उनको भी ये चीजें आ गई। जरूर कहूंगा ये कोर्स करते समय कुछ फायदे हैं। पहला फायदा है बच्चे को एक लॉन्ग लाइफ यानी लाइफ टाइम आंख मिलेगी, वो ऐसी आंख है वाटर प्रूफ, सैंड प्रूफ, डस्ट प्रूफ, प्रूफ है, और ये वाटर प्रूफ सैंड प्रूफ आंख लाइफ टाइम के लिए, 80 साल 90 साल का भी हुआ तभी भी आपके बच्चा देख के देख सकता है। और सेकेंड जो बेनिफिट है ध्यान से सुनिए इस प्रोग्राम का, वो क्या है पता है, ये कोर्स करने के बाद बच्चे की इंद्रिय डेवलप होते हैं यानी सेंसेस। अभी देखो काफी मम्मी पापा कहते हैं मुझे, सर आंखें बंद करके दिखता कैसे है, आपका भी सवाल रहेगा ये सर नो, आंखें बंद करके दिखता कैसे। अभी देखो ध्यान से, जब आंखें बंद होती है, जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, विचार शून्य अवस्था में, हमने सुना है स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने ध्यान में सत्य को जाना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, अपने जीवन में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। अभी उन्होंने सभी चीजें इमेजिनेशन से जानी थी, लेकिन अगर आप अल्फा में हो, आंखें बंद रखते हो, विचार शून्य होते हैं, तो कोई चीज आपके हाथ में दिया जाए, आप उसे टच करो, आप उसे स्मेल करो, तो आपकी जो कल्पना है ना, इमेजिनेशन, वो डेवलप होके आपके यहाँ पे आंखें बंद करके थर्ड आई के पास कल्पना देती है, उसको दिख जाता है, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन होता है। जैसे आपने अभी ब्लू कलर की लाइट देखा था मेडिटेशन में, या फिर वो कैंडल की फ्लेम देखी होगी, वो इस एनर्जी को चक्रास देखे होंगे, इसी प्रकार आंखें बंद करके रीडिंग होता है। अभी देखो यहाँ पे इंद्रिय डेवलप होते हैं यानी टच सेंस है, स्मेल करके बताते बच्चे, आवाज से करते हैं, और ये डेवलपमेंट इतने हद तक कि बाद में आप कोई भी किताब दोगे ना जो एडवांस लेवल है, बच्चा ऐसे स्मेल लेके किताबें पढ़ेंगे। एक हमारे स्टूडेंट है तन्वी है जिसका नाम, जिन्होंने ये कोर्स किया और कर्स करने के बाद उनके अंदर कुछ ऐसी पावर आ गई, वो शॉक हो गए, किताबें दीदी जो है आंखें बंद करके पूरी किताब 2 मिनट में पढ़ डाली। लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वॉज शॉक ही, कैसे मुमकिन है। आपके बच्चों के लिए ये पावर ऑलरेडी, यहाँ आपके बच्चे
अंदर है वो पावर स्मेल लेके किताबें पढ़ना, बस हमें जानना है, डेवलप करना है, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। जरूर कहूंगा ये प्रोग्राम करके फायदा क्या है। सेकंड जो थर्ड जो फायदा मैं बता रहा हूँ वो है बच्चे का मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है। जैसे आंखें बंद है और वो हायर स्टेट है अल्फा, और इस स्टेट में बच्चे जब होते हैं, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने सुना है अंधे जो लोग होते हैं ना, अंधे जिनकी आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, उनकी स्मरण शक्ति एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है। कितने ने सुना है अंधे लोगों की स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, काफी लोग जानते हैं। यही तो प्रोसेस है, बच्चा ब्लाइंडली जब पढ़ रहा है यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे है, वो फोकस्ड है, और वो फोकस से पूरा चीजें याद रख रहा है, एक ही बार पढ़ेगा याद रखेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है पता है, ये आज क्यों करना है पता है, आज क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका अंदर एक ऐसा स्किल आता है जो लोगों को दिखा सकता है। यस माय फ्रेंड्स, आप सोचो अब क्या बच्चा घर पे पट्टी बांध के कोई मेहमान आ गए उनको दिखा रहा है, उसके पास एक स्किल है, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूं। अगर वो कोई जगह पे जा रहा है स्कूल्स के अंदर, ट्यूशंस के अंदर, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। सभी लोग हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताऊं, उनको मॉनिटर बनाया है, उनको आगे वो एक लीडर बने हैं। जरूर कहूंगा बच्चे के अंदर स्किल डालना है और बच्चे सेलिब्रिटी होते हैं। कोई भी स्किल जैसे बैडमिंटन हो सकता है, कैरम हो सकता है, कोई भी स्किल, एक स्किल में एक्सपर्ट बनना है। एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये कोर्स लॉकडाउन में किया, तन्वी जिनका नाम, महाराष्ट्र के है, अहमदनगर के, और जब इन्होंने ये कोर्स किया 4 न्यूज चैनल के अंदर गए, कितने 4, और उनके पापा ने कहा सर हमारी ये कोर्स करने के बाद मेरी भी और मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुक मध्ये एका 9 वर्षाच्या चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे। इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात। हा कुठलाही चमत्कार नाही तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं। तन्वी हिने मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दहीहंडे सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला। उन्होंने जब लॉकडाउन में ये चीजें सीखी फर्स्ट वेव में और उनका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जरूर कहूंगा सभी मम्मी पापा ध्यान से सुनिए, प्लीज 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 मैं चाहूंगा पूरा फोकस मेरे पास रखो। अभी भी जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए आज करना है, आज आपको करना है, और मैं छोड़ने भी वाला नहीं हूं। आज यहां से कोई नहीं जाएगा, आने वाले मिनटों में आपको मैं बता रहा हूँ कोई नहीं जाएगा। क्यों बता रहा है? आपकी जिंदगी का आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, आने वाले मिनटों में मैं बता रहा हूँ कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। आपको रुकना है, आज खाना लेट हुआ तो चलेगा, मैं नहीं खाने वाला हूं। लेकिन आपके लिए करना क्यों जरूरी पता है? क्योंकि आंखें बंद करके जब आपका बच्चा देखेगा वो कोई ट्रेन में है, अगर वो कोई स्कूल में है, अगर वो कोई हॉस्पिटल में है और वो आंखें बंद करके देख रहा है तो सभी लोग क्या कहते हैं पता है? सभी लोग क्या कहते हैं पता है? आंखें बंद करके जब आपका बच्चा देखेगा ना सभी लोग यही कहते हैं, बेटा मुझे सिखा, मुझे ये करना है। तेरा घर कहां पे बोलो, तेरा घर कहां पे, तू कहां रहता है, मैं आने वाला हूं तेरे घर पे, बोल कहां पे तेरा घर। वो बच्चा क्या बोलता है? आप नहीं कर सकते, आपको नहीं आएगा, आपके बच्चे है क्या मैं उनको सिखा सकता? हाँ मेरी बेटी है, मेरी 7 साल की बच्ची है, मेरे 8 साल का बच्चा है, तेरा घर कहां है, तेरा घर कहां पे मैं आ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे इसमें करियर कर सकते हैं, और ऐसा करियर जिसकी हद नहीं है, हद नहीं है। भीड़ से अलग, मैं क्या कह रहा हूं देखो ध्यान से, भीड़ से अलग आपके बच्चों के पास टैलेंट है ना, उस टैलेंट की वैल्यू होती है। अगर भीड़ के पास जो है वही आपके बच्चों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, भीड़ से अलग आज बच्चों को बनाना है। आज जाना नहीं इस वर्कशॉप से बाहर, मैं बताऊं भीड़ से अलग आपके बच्चे अगर आके बन करके पढ़ रहे, डॉक्टर को दिखा रहा है, डॉक्टर है हमारे एक स्टूडेंट है मुंबई के अंदर जुहू के, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर को दिखाया, बच्चा पट्टी नहीं कर जेब में रखता है, पट्टी खान जेब में होता है उसके, पट्टी बांध के दिख रहा है, बट डॉक्टर ने आधा घंटा चेक किया, कहा ये क्या चीज है, ये क्या है, ये नया साइंस। वो जानते नहीं थे क्योंकि 98% लोग जानते ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की हॉबी बने ना ये हॉबी, और आपके बच्चे को लगेगा ये सीख के मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, माय फ्रेंड्स उसका करियर हो, बच्चा आंखें बंद करके स्कूल में जाएगा, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूं, अच्छा मम्मी भी साथ में है, आपका बच्चा आपके साथ में है, देखो हमारा बच्चा आंखें बंद करके देख रहा है। कितने लोग सीखना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो बच्चों, कितने हैं स्कूल के अंदर सीखना चाहते हैं? अच्छा मेरी मम्मी क्लास लेती है, यस मेरी मम्मी क्लास लेती है, मैं क्लास लेता हूं और हम आपको सिखाएंगे। आपके बच्चे को ये आ गया उसका करियर बन सकता है। और मैं बताऊं मैं जब इसको सिखाता ना
मेरा शादी हुआ था 2014 के अंदर, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, यानी मेरे कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन मैंने एक ही चीज देखा था, ये मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा। आज मेरी बेटी है देवांशी, उसका नाम। मेरा नाम है देवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं खुद आंखें बंद करके देख सकती हूँ कि आपको मेडिटेशन का रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बड़ी के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, कितना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहेंगे। मुझे यस करो यस, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ, मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, मेरे पापा ने बहुत सुंदर वीडियो कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं, तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीखो। मैं भी ये सीख चुकी हूँ, आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। इसमें बताओ, मेरी बच्ची को तो मुझे पता है कि इसका स्कोप क्या है, मुझे पता है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मुझे पता है कि इसका कॉन्फिडेंस, उसका मेमोरी और उसका जो ये क्या हो सकता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं पिछले 7 साल से सिखा रहा हूं। औरंगाबाद में जब ये लाइव वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं ना, 300-300 किलोमीटर से लोग आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, मुंबई से, पुणे से। मैं बताऊं, आज फॉरेन की कंट्री से लोग यहाँ पे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। आप जिस सिटी में रहते हो, ध्यान से सुनिए मम्मी पापा, आप जिस सिटी में रहते हो वहां पे कोई नहीं सिखा रहा है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपके बच्चों को अगर डेवलप करोगे और आप इसमें करियर भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोग इस क्षेत्र में आए और इसको सिखाए लोगों को। और जो भी मम्मी पापा सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आज ये प्रोग्राम मैं आपके लिए सिखाने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम का जो कॉस्ट है ना, जब मैं फिजिकल क्लास लेता हूँ लाइव सेशन 14,999, लेकिन आज आप 1.5 घंटे से भी ज्यादा बैठे हो, आपके लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ और इसकी प्राइस काफी कम रहने वाली है कि मैं आपको काफी प्राइस कम के साथ देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ गिफ्ट्स मैं देना चाहता हूँ। कितने लोगों को गिफ्ट्स पसंद है, से आए कितने लोगों को गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, गिफ्ट्स। वाह, आज के सेशन के अंदर, आज के सेशन में आपको ही ये गिफ्ट मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। जरूर आज आपको मैं बहुत कुछ देना चाहूंगा। आज काफी लोग आए हैं, मैं आपको चाहता हूं कि आपको कुछ नए चीजें भी दूं। इसके साथ हम एक प्रोग्राम देने वाले हैं आज आपके लिए, वो है रेकी का। रेकी एक हीलिंग प्रोसेस होता है जहां पे हम आंखें बंद करके बीमारी को देख के ठीक कर सकते हैं। रेकी सीखने के बाद आपका बच्चा कभी बीमार नहीं करेगा। मैं बताऊं, ये रेकी का सेशन आपके बच्चों को स्पोर्ट्स में काम आएगा, आपके बच्चों को हेल्थ के लिए काम आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं, हमारे एक स्टूडेंट है, उसने मुझे अनुभव शेयर किया था, मुझे अभी भी याद है। उसने कहा था, मैं स्कूल में रनिंग कर रहा था, रनिंग करते समय मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ और उस दर्द को मैंने आंखें बंद करके देखा तो लाल लाल पैचेस थे। मैंने उसको निकाले और बैंडेज लगा दिया, आंखें बंद करके विजुअलाइज किया, उसको पूरा टेक्निक सिखाया था कैसे आपको कोई भी दर्द ठीक करना है। जब उसने कहा कि मैं बाद में जब खड़ा हुआ, दर्द गायब, जब भागने लगा तो मेरी स्पीड इतनी बढ़ी कि मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और जरूर कहूंगा, बच्चे की जो फिजिक्स है ना, उसको बढ़ाने के लिए रेकी जैसे प्रोग्राम को हर एक मम्मी पापा, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपके बच्चों को जिंदगी में चश्मा नहीं लगेगा। मेरे मम्मी को चश्मा है, मेरे पापा को है, मेरी दीदी है उनको भी है, और जरूर कहूंगा मेरे चश्मा नहीं है, काफी डिजिटल में यूज करता हूं मोबाइल, लेकिन चश्मा नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं रेकी कैसे करना होता है। तो ये प्रोग्राम मम्मी पापा के लिए है और बच्चों के लिए है, जो इसके साथ आज आपको फ्री मिलने वाला है, जिसका कॉस्ट है 999। ये आपको बेसिक लेवल पे रहेगा, फ्री मिलेगा। चैट में लिखो अमेजिंग ऑफर, अमेजिंग ऑफर, अमेजिंग गिफ्ट। वाह, और एक गिफ्ट चाहिए, चाहिए आपको और एक गिफ्ट मेरे तरफ से। आज आपको और एक गिफ्ट मिल रहा है, वो है NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, NLP सीखने के लिए मैंने 80-90 हजार से भी ज्यादा खर्च किया था, और ये सीखने के बाद मैंने हर एक बच्चों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है पता है, मोबाइल एंड टीवी। कितने बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, हाथ ऊपर करो, मोबाइल टीवी का बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, आपके बच्चे का मोबाइल टीवी मैं खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग रेडी है इस चीज के लिए, ये बहुत जबरदस्त चीज रहेगा सर। मैं बताओ, जितने भी बच्चों को हमने सिखाया ना, वो मोबाइल टीवी खेलते नहीं है।
क्यों पता है? क्योंकि मन के शक्तियों को हमने जाना, मन के जो अंदर जो पड़ी हुई जो मोबाइल टीवी के जो एडिक्शन है ना, उसको हमने खत्म करने का साइंस को सिखा था, और वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी ब्रेन, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग मीन्स टू प्रोग्राम, यानी बच्चों को मन के अंदर जाके सभी उसको जड़ से खत्म करना। तूने कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है विदान? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपना जो एक रचना है वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ते, रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी, और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। बच्चों का जो टीवी मोबाइल का प्रॉब्लम है ना, उसका जड़ से खत्म करना है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों ने ये सीखना है। एनएलपी जैसे टेक्निक को मैं आज आपको इस सेशन के अंदर ये फ्री गिफ्ट देना चाहता हूँ, एनएलपी का प्रोग्राम, जिसको सीखने के लिए हमारे फ्रेंड्स, जब मैं लाइव वर्कशॉप करता हूँ तो 7999 में ये रहा कॉस्ट है, और जरूर कहूंगा ये आज आपको फ्री मिलेगा। और एक गिफ्ट देना चाहूंगा मैं आपको लिए, वो है मेमोरी पावर का वर्कशॉप है। मैंने आपको बताया था मेरे काफी कम मार्क्स थे और मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम लिया था मेमोरी पावर का, और ये सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आपको बच्चों की मेमोरी के ऊपर काम करूंगा मैं। बच्चों को कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे जो है एक बार पढ़ के याद रखेंगे, कितना भी क्वेश्चंस बड़ा हो, डेफिनेशंस हो, नंबर हो, एक बार पढ़ के याद रखेंगे। जैसे मैं 12th का एग्जांपल बोलूं, बोन के नाम था, यहाँ पे है क्रेनियम, यहाँ पे है स्टर्नम, यहाँ पे है स्टर्नम, यहाँ पे है मेंडिबल, यहाँ पे है क्लाविकल, ये सभी 206 हड्डियां थी। उसको याद रखने के लिए मैंने बस एक घंटा यूज किया था, और एक घंटे के अंदर सभी बोन्स के नाम, और ये बच्चे दूसरी कक्षा के बच्चे भी कर सकते हैं। मोबाइल टीवी जो है खत्म होके बच्चे जो है ये चीजें करके मेमोरी पावर सीख के सभी प्रॉब्लम से हार सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं आज को फ्री देना चाहूंगा, एक अमेजिंग प्रोग्राम है और ये फ्री रहेगा। लास्ट में रहेगा वो है मीटअप। मीटअप मीटअप में क्या होगा, मीटअप में, मीटअप पे जो है इस प्रोग्राम में हम लाइव वीडियो से सिखाते हैं, यानी लाइव आके मैं आपको इंटर ये करने वाला हूं, टीचिंग करने वाला हूं। जैसे ये वीडियो कोर्स है, वीडियो यानी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेरीज रहेगा, कुछ नया चीजें है जो मुझसे बातें करनी है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये मीटअप जो है मंडे रात को 9 से लेकर 10 बजे तक हम लाइव आके बच्चों को सिखाते हैं, और जो पूरे स्टूडेंट है हमारे, मोर देन 650 से भी ज्यादा स्टूडेंट है, सभी इकट्ठा आते हैं, उनको हम इससे सिखाते हैं, हमेशा वो चीजें इससे सीखते रहे तड़ाई को। 30 डेज के बाद बच्चों को 15 मिनट का ध्यान करना होता है, ध्यान ये उनके जीवन का पार्ट है लाइफ टाइम के लिए। ये मीटअप का जो प्रोग्राम है मैं फ्री देना चाहूंगा, यानी ये जो सभी जो चीजें ना आज आपको मिलेगी, थर्ड एक्टिवेशन, रेकी, एनएलपी, मेमोरी पावर और मीटअप्स, इसका जो कॉस्ट है 52,995 है, लेकिन आपको ये जो फ्री मिल रहा है तो इसका टोटल कॉस्ट है 14,999, लेकिन इससे भी कम आपको मिलेगा। ये मिलने वाला है आपको 10,999 से भी कम, और ये आज आपको मिलेगा हमारे फ्रेंड्स 7999 में। कितना? 7999 में। तो मुझे बताना है यहाँ पे, सच में बताओ कितने लोग हैं जो आज इस चीज को सीखना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो, कितने मम्मी पापा है अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, काफी लोग हैं। और कितने लोग हैं जो चाहते कि सर फीस थोड़ा सा कम करो ना तो हम करेंगे, कितने चाहते कि फीस कम करें, लेकिन चैट में मुझे बताओ कितना फीस रखू मैं, चैट में मुझे बताओ कितना फीस रखू, चैट में बताइए हम किसका कितना फीस रखें। अरे वाह, सुमित सर बोल रहे हैं सर 1000 रखिए, सर इतना भी कम नहीं रखेंगे हम 2000 4000। ओके, आई एम 17 ईयर पर्सन, आप कर सकते हैं, ओके 17 का कर सकते हैं, ओके 7000 रखिए, मैं बोलता हूँ 7000 नहीं उससे भी कम रहेगा, लेकिन मैं बताऊँ एक भी बदलाव आया ना बच्चों में, एक भी ध्यान से सुनिए। एक हमारे स्टूडेंट यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो
बता रहा था, पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो वो करे, ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई। अच्छा। उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। ओके बताओ उनके बच्चों के अंदर जो बदलाव है ना, आज उनका बच्चा शांत भी हुआ है, किताबें ऐसे पढ़ रहा है और सभी जो चेंजेस है उनके मम्मी पापा आज वो टीचर्स है और बहुत ही खुश है इस कोर्स को। मैं बता रहा हूँ ये कोर्स आज आपको मिल रहा है 7999 माय डिफेंस, इससे भी कम मिलने वाला है। ये आज आपको मिल रहा है माय डिफेंस 799 में नहीं, उससे भी कम 6999, उससे भी कम आपको मिल रहा है माय डिफेंस। मैं आपको बताऊ एक शॉकिंग अमाउंट आने वाली है, शॉकिंग, और ये अमाउंट ओनली फॉर 25 पीपल्स है, 25 लोगों को ये ऑफर मिलने वाली है। और ये जो कोर्स है ना आज आपको आज ही मिलने वाले हैं, तो आपको तुरंत ग्रास्प करना है 25 लोगों को, मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसे साइंस, रेकी जैसे साइंस, एनएलपी जैसे साइंस, मेमोरी पावर और वीकली मीटअप जो लाइफ टाइम के लिए है आपको मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं माय डिफेंस, आपको मिल रहे हैं उससे पहले। यस, मैं छोड़ने नहीं वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बता रहा हूं। ये प्रोग्राम करने के बाद एक पेरेंट्स ने ये सीखा लॉकडाउन के अंदर और उन्होंने अपने जीवन में इसको करियर बनाने का डिसीजन लिया। इन्होंने हमारे एक दूसरा एक जबरदस्त चीज है वो है टीचर ट्रेनिंग का, टीचर ट्रेनिंग आज उन्होंने ये सीख के दूसरों बच्चों को सिखा रहे हैं, से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा कना ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, उत्साह लागला, सुरू वाटायला लागली। गाव से जुड़े है, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। बताओ ये सभी चेंजेस, सभी बदलाव इस प्रोग्राम से है, वो चाहे स्टडीज हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो चाहे टीवी मोबाइल हो, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तड़ा है। और आपको आज बताओ एक शॉकिंग अमाउंट बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम आज आपको ओनली फॉर 25 फैमिलीज ये मिलने वाला है 4999 का आज आपको मिलने वाला है और ये आज की ऑफर है और वो 15 मिनट के लिए है। आपको अभी के अभी क्या करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज करके करना है, ये मेरे बैंक डिटेल्स है उसके ऊपर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन करो। क्यों पता है, ये प्रोग्राम लेने के बाद आपको वीडियोस के लिंक मिलेगा, वेबसाइट उसका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, बाद में आपको डेली बेसिस पे एक एक घंटे के वीडियो कैसे देखना है, शुरुआत कैसे करनी है, वो सभी चीजें बताया जाएगा और वीकली मीटअप रहेगा मंडे एंड फ्राइडे। और ये प्रोग्राम रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री यानी मनी बैक गारंटी है। और जरूर कहूंगा अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या करना चाहते हैं उन्होंने जरूर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है, इसी नंबर पे भेजना है और अभी के अभी इस ऑफर को ग्राप्स करना है, क्योंकि बाद में एनएलपी, रेकी, मेमोरी पावर मिलने वाला है। उसका मैं कोर्स को अलग बनाने जा रहा हूं, थर्ड एक्टिवेशन ही आपको 5000 में मिलेगा। तो अभी के अभी ये प्रोसेस को करना है कंप्लीट। अभी मुझे पता है काफी लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेकिन काफी लोगों के डाउट्स भी हैं, तो हम पहले डाउट्स को पहला लेते हैं। मैं बताऊ आपको क्या करना है, किसी के कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, रेज द हैंड, हाथ ऊपर कर सकते हैं, या जितने भी मम्मी पापा हैं, काफी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कोई डाउट्स है, क्वेरीज है जो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, यस सर, राकेश सर हैं,
वो बोलना चाहते हैं। सर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, किसी को मुझसे बातें करनी है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर राकेश सर फिर से हाथ ऊपर कीजिए। सर आपका वीडियो ऑन नहीं था अभी, मुझे पता है काफी लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेकिन काफी लोगों के डाउट्स भी हैं, तो हम पहले डाउट्स को पहला लेते हैं। राकेश सर मैं हाथ आपको अनम्यूट किया हूँ, सर बोलिए। सर मैं सुन पा रहा हूँ? हाँ बोल रहे सर, मेरा का लड़का है, हाँ उसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाता है, तो वो कर पाएगा ये? कितना एज है उनका? उसको उनका 12 साल है, सुन नहीं पाता है सर, डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि सुनना जरूरी है। नहीं नहीं कर पाएगा वो सर, सुनता नहीं तो नहीं कर पाएगा। आई कांट हेल्प। ओके मैं बताता हूँ क्यों, मैं पॉज कर रहा हूँ आपको। सुनना या नहीं, इसमें हमने म्यूजिक थेरेपी दिया है ना या फिर वीडियोस दिए, वो सभी सुनने ही है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमको उसको बोलना पड़ेगा ना, ये कर ये देख वो देख, वो सुनेगा इसमें तो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर, सॉरी। ओके डाउट्स है तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग है। यस 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 ओके अनम्यूट मैं चाहता हूँ कीजिए। जो फोन कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे फोन नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ, मैं आज अकेला हूँ, मेरी टीम नहीं आज, ठीक है। बोलिए बोलिए तापन बोलिए सर। अकाउंट नंबर सर? हाँ आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, इसमें अकाउंट नंबर है सर, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालिए इसका निकालिए जरूर, सभी लोग जो पेमेंट करना चाहते हैं ना इसका स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज। हाँ सभी लोग निकालिए, और जो भी डाउट्स है फिर आप पेमेंट कीजिए। हाँ आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए सर। और मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ एक लिंक के माध्यम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कोर्स करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे स्क्रीनशॉट भेजिए इसी नंबर पे। यस मैम आप बोलना चाहते हैं? संजना मैम है, बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मैम। जी सर। यस मैं कह रही थी इससे कोई बच्चों को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके बिहाफ होने वाला है, यानी हर एक चीज हर एक चीज मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ। 7 साल से मेरा अनुभव है, यूट्यूब से मेरे 7 साल की वीडियोज है, 7 years, और ये पूरा साइंटिफिक है। बाबा रामदेव हाँ। बाबा सिखा रहे हैं या फिर श्री रविशंकर जी सिखा रहे हैं, ये मेडिटेशन का ये देखो ये प्रोसेस क्या है, सभी को बता रहा हूँ। आंखें बंद करके दिखता कैसे पता है, विचार शून्य में, यानी जीरो तौर से आंख में दिया तभी दिखाई देता है। अगर हाँ, वो ऐसे दूर का नहीं देख सकता, जब उसके हाथ में जैसे आंखें खुल के दिखता है, आंखें बंद करके दिखता है, जैसे रानी हम सुनते आए थे वैसे ही। और ये साथ में हम भी कर सकते हैं, और ये कर सकते भी। मैं अडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी सिखाता हूँ, यानी बड़ों के लिए, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज कम है। ओके परसेंटेज कम है एक्टिवेशन का, इसलिए हम बच्चों को ही सिखाते ज्यादा। आप करो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और किसी के कोई सवाल है? मैं 25 फैमिलीज को लेना चाहूँ। सर बोलिए। हाँ बोलिए तापंस गैलेक्सी। लड़का तो डेवलप कर सकेगा ना सर? हाँ होगा सर, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। और मुझे पता है यहाँ पे चंचलता, ये सभी हम क्या करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे उसकी निकालेंगे, डांस से निकालेंगे, ब्रेन जिम करेंगे, उसको रिलैक्सेशन भी देंगे। ये जो सभी उनके हाइपरनेस है, शांत पना है, वो पूरा बैलेंस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस कर सर वन महीने का कर सकते ना सर? 1 महीने का कोर्स 1 महीने का है, यानी मेरे पास ऐसे बच्चे जिनका 2.5 साल हुआ है, मैं दिखाऊंगा बाद में वीडियो, वो अभी भी मेरे से जुड़े हैं, वो छोड़ेगा नहीं, मैं आपको जिंदगी भर सिखाते रहूंगा। ओके मैं चाहता हूँ कि बल्ड डेवलपमेंट हमेशा के लिए आए, ठीक है। और गारंटी दूंगा ये अभी सभी के लिए, मैं कहता हूँ अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है रेकी एनएलपी मेमोरी पावर 3rd eye वो आपको आज मिलने वाला है। चलो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, मुझे काफी सारे मिल रहे हैं मैसेजेस, और मुझे बताइए किन का ऐसा है प्रॉब्लम। सर हम करना चाहते हैं, फीस ज्यादा है, लेकिन कितने लोग हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, कितने है कि सर फीस थोड़ा सा है। सभी से कहना चाहता हूँ एक चीज है, मुझे पता है कि ये फीस शायद आपको ज्यादा लगे, लेकिन इसके पीछे मुझे फीस को रखना उसके पीछे का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो प्रोग्राम बनाते समय हमने जो चीजें और कंटेंट डाला है ना, वो काफी बड़ा है। ये देखिए रेकी हीलिंग, ये प्रोसेस सीखने के बाद, मम्मी पापा मैं बोलू, ये प्रोसेस सीखने के बाद आप और आपके बच्चे बीमार नहीं रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एग्जाम्पल आपके बच्चे को कोई भी बीमारी हुई, जैसे सर्दी हुआ, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, आपको दवाई देने की जरूरत नहीं, पहले रेकी प्रोसेस करो। रेकी से 90% बीमारी ठीक होती है, 90% मैं बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है। और ये करने से मैं बताऊं आपके लाखों रुपए बचेंगे। कैसे पता है? एक मैम है, उनका हाथ
तीन साल से दुख रहा है। उन्होंने जब बच्चों को सिखाया और बच्चों को कहा कि बेटा मेरे आंखें बंद करके मेरे हाथ देख कैसे है, उनके बच्चों ने देखा मम्मी का हाथ दुख रहा है, उन्होंने क्लीन किया, 3 सालों का जो दर्द है एक मिनट के अंदर वो दर्द खत्म किया, अभी उनको बिल्कुल दर्द नहीं है। माय फ्रेंड्स सोचो, जो बरसों की जो बीमारियां पड़ी हुई है, जैसे मैं बोलो हमने काफी सारे लोगों के बड़ों के मम्मी पापा के माइग्रेन जैसे बीमारी को ठीक किया है, अल्सर जैसे प्रॉब्लम को ठीक किया है रिकी से, ये चीजें आज आपको मिल रही है, तो माय फ्रेंड्स ये आपके लाखों रुपए बचेगा और मैं बोलू ये आपको मिल रहा है। तो रिकी जैसे प्रोग्राम को हम सीखेंगे जो आपको आज मिल रहा है फ्री, बाद में देखो एनएलपी जैसा साइंस। आप मुझे बताओ मोबाइल आपके बच्चे देख रहे हैं उसको छोड़ने के लिए अगर मैं पैसे बोलूं, मैं आपके बच्चे का मोबाइल छोड़ूंगा और उसका 5,000 रुपए लूंगा, आपका बच्चे का मोबाइल भी छूट गया ना सर, बहुत हो गया, पैसे फिर गए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, जब बच्चों को आते हैं ना मेरे पास वो कहते हैं सर मेरा मोबाइल छूट गया, ये हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आंखें बंद करके भी दिखने लगेगा ना, सोचो आंखें बंद करके दिखने लगेगा उसके जो अनुभव रहेंगे, यानी मैं ये किया वो किया, जैसे हम जब फॉलोअप लेते हैं सभी बच्चे इकट्ठा आते हैं और उसमें हम आपको गाइड करते हैं, और पहला सवाल होता है कि कितने बच्चों में बदलाव आया, चेंज आया, ये चेंज आया, तो इतने बच्चे एक्साइटेड होते हैं बताने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे शेयर करूं, ये देखिए हमारे जो स्टूडेंट ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया, हाथ ऊपर करिए, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो सर। जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था आपको अच्छा लगे। वाह वाह, मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। ओके अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके ओके, और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है, वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वेरी नाइस वेरी गुड। हाँ प्रचित, बोलो प्रचित। सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी अभी, और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा अभी अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे पेज एक एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलराइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ओके इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए, जोरदार जोरदार, आई नीड मोर 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 क्लैप्स। यस 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 यस। और आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पर पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। ओके मैं बताओ, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है, 7 लोगों ने अभी एडमिशन लिया है, 7 लोगों के रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हुए हैं, उन सभी को मैं वेलकम कर रहा हूँ, और जरूर स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए अभी, ठीक है। और मैं बताओ सभी को छोड़ने भी नहीं वाला हूं मैं जाने भी नहीं वाला, और आपको करने ही है, क्यों पता है क्यों करना है, ध्यान से सुनिए प्लीज। इसके साथ हम जो मेमोरी पावर का वर्कशॉप दे रहे हैं, मैं बताऊं आपको, ये मेमोरी वर्कशॉप मैंने यूपीएससी के बच्चों को सिखाता हूं, ये जो मेमोरी पावर का जो वर्कशॉप है मैं आपको बताऊं, ये सिखाने के बाद जो है आपके बच्चे को कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, यानी बच्चा एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी पावर का वर्कशॉप है जो आपको इस सेशन में मिल रहा है, वो वर्कशॉप करने के लिए आपको मोर देन 10,000 से 15,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये करने के बाद मैं आपको वादा देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट है 11th 12th स्टैंडर्ड को भी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ये जबरदस्त है। यानी हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, मेमोरी का प्रॉब्लम हुआ, मोबाइल टीवी का प्रॉब्लम एनएलपी से खत्म हुआ, मेमोरी टेक्निक से बच्चे का जो प्रॉब्लम है जैसे पढ़ाई में लेजी है नहीं करता है उसका भी प्रॉब्लम खत्म हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही चीज कहूंगा आपके बच्चों के लिए, आंखें दीजिए एक ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, सैंड प्रूफ है। जैसे आज एक पेरेंट्स आए मेरे पास जिन्होंने कहा कि मुझे करना है लेकिन बच्चा सुन नहीं सकता। माय फ्रेंड्स सोचो ना कितनी ये मैं कहूँ, मुझे कितना दुख भी हो रहा है ये चीजें जान के, आप सभी उनके साथ सुन रहे हो, वो करना चाहते हैं लेकिन बच्चों को नहीं सुन पा रहे। ऐसे ही पेरेंट्स का अनुभव है मेरे पास, पिछले हफ्ते एक पापा आए, उनके बच्चे को आंख नहीं है, 7 साल की एज है उनकी, कितने 7 साल, आप सोचो। माय फ्रेंड्स उनके पापा मुझे जब कहते हैं मेरे बच्चों को सिखाना है,
आपकी फीस में पे करने के लिए तैयार। मैंने कहा कि सर फीस मत दीजिए, ये कोर्स मेरे से फ्री रखी है और मैं चाहता हूं कि उसको आए। हमने वो मेडिटेशन वो सभी चीजें किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उस बच्चे को दिखता नहीं है बचपन से, वो ना कलर देख पा रहा है, ना कोई हम उसको चीज बता रहे हैं वो देख पा रहा है, वो वीडियो को नहीं देख सकता, इतने प्रॉब्लम। उन्होंने कहा सर हम क्या कर रहे हैं, आपके औरंगाबाद में आते हैं, वहां पे हम स्टे करेंगे, आपको जो पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार है, मेरे बच्चों को सिखाइए, मेरे बच्चों को ट्रेन कीजिए। अरे फ्रेंड्स, मुझे दुख होता है बताने के लिए कि आपके बच्चे ऑलरेडी उनकी आंखें हैं, लेकिन जो देख नहीं सकते वो सीखना चाहते इस चीज को। फ्रेंड्स, आपके बच्चों को एक आंख दीजिए और वो गिफ्ट दीजिए। माय फ्रेंड्स, ऐसी गिफ्ट, एक स्टेपनी दीजिए। आंखों की कीमत कितनी होती है? 5,000 नहीं होती। माय फ्रेंड्स, आंखों की कीमत आप चश्मा लेके जाओगे 2,000-2,500 इतने में आएगा, लेकिन आंखें बंद करके अगर बच्चा पढ़ेगा माय फ्रेंड्स, उसके लिए लाइफ टाइम की आंख देनी है। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको सभी को कह रहा हूं ये 5,000 ये काफी कम चार्ज, ये 5,000 और ये गारंटी है। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करके समय के अंदर? बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उससे इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। भाई बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके पढ़ रहा है, ये स्मेल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा, और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्मेल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये है। आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपये कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, और मेरे मिशन में आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 1,000,000 बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। ओके, वो 5,000 बचने के लिए आपके बच्चे को जो भी एक भी बदलाव आया वो करोड़ों का है। आपके बच्चे का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इस प्रोग्राम से करोड़ों का। एक ही वीडियो दिखा रहा हूँ, एक ही चीज, ये स्टूडेंट माय फ्रेंड्स, जब कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना, ऐसी स्किल आ गई कि वो दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा रहा है, दुनिया के सामने लोगों को दिखा रहा है, ऐसा एक स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हमारे फ्रेंड्स, और जिंदगी बदल डालती है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, एक नॉलेज ऐसी चीज है जो जिंदगी बदलती है, हमें उसको सही नॉलेज सही चीज है बच्चों को सिखानी है। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगे? हाँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एक्सप्लोरर नेम्ड जॉन डी सूजा, इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज नोबडी रिटर्न्ड अलाइव। ओके, पट्टी खोल दूं तुम्हें। सो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है, स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। सभी को कहना चाहता हूँ, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यूट्यूब से भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ 14 लोगों ने एडमिशन लिया, मैं 14 में से देख रहा हूँ अभी भी वो आ रहे हैं, 14 लोगों ने आज एनरोल किया, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ आज के लिए, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने यहाँ पे नाम लिखना, मैं आपको सभी को अनाउंस कर रहा हूँ आपके नाम, और व्हाट्सएप पे आपके बच्चों का नाम लिखना है, आपके बच्चों का एज लिखना है, और आप जहां सिटी में रहते हो उस पे लिखना है, बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा हमारा योगा वर्ल्ड
कि हमारा फर्म है, एक कंपनी है, उससे आपको सर्टिफिकेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जरूर कहूंगा ये चीजें आपको हेल्प करेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। एक डिसीजन हमारे फ्रेंड्स, लॉकडाउन जब लग गया था, लॉकडाउन में मेरे फिजिकल क्लास बंद है, मैंने मोर देन 80,000 से भी ज्यादा डिजिटल एजुकेशन में खर्च किया। डिजिटल एजुकेशन लेके ये सभी चीजें मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, मेरा काफी बड़ा बिजनेस अभी हो रहा है ड्यू टू द, मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ। ये क्यों हुआ पता है? नॉलेज लेने से। जिसके पास ज्ञान है वो आगे है। माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं, कोई 5,000 का प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हो, उसको सेल करना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई 5,000 की कीमत अगर बेचना चाहते हो ना, मैंने अपने गुरु से ये चीजें सीखी थी, आपको जरूर ये चीजें बता रहा हूं। एक कोई भी इंसान 1,000 का चीज बेचना चाहता है जिंदगी के अंदर, उस इंसान की जिंदगी के अंदर, एज ए ट्रेनर में कोच हो, एज ए माइंड पावर एक्सपर्ट हो, मैं बताऊं, 1,000 की जिंदगी के अंदर आप कुछ बेचना चाहते हो, प्रोडक्ट देना चाहते हो, उसका वैल्यू 1 करोड़ को फायदा मिलना चाहिए सामने वाले इंसान को, तभी जाके वो एक सफलता आपकी जिंदगी में है, लोग आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं और वो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। कोई 5,000 का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, उसके पीछे का जो वैल्यू है ना, वो 5,00,000 का मिलेगा। इसी से ही हमारा प्रोडक्ट बन सकता है 5,000 का, मैं बोलू उससे भी ऊपर बोलू। ये जो सभी जो प्रोग्राम बनाया ना, इसको सीखने के लिए मुझे खुद को 10,00,000 से भी ज्यादा खर्च लगा हुआ है, और मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, या मेरे पास जब बच्चे आएंगे वो मेरे से सीखेंगे। आज मैं बताओ, आज ये चीजें सीख के, यानी पब्लिक स्पीकिंग हो, जैसे बोलना कैसे, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाने हैं, या फिर आप अगर टीचर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, मेरे से काफी सारे स्टूडेंट है, उनके मम्मी पापा ये चीजें सीख के वो अपने जगह पे सिखाना चाहते हैं, ये चीजें आपकी जिंदगी बदल देंगे। इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, जिंदगी के अंदर इस दुनिया में सीखते रहना जरूरी है। जैसे ये किताब आप 150 रुपए के लेते हो, लेकिन उसका अगर आपका इंटेंशन ये है, 150 रुपए है, लेकिन उसको बनाने के लिए 7 से 8 साल लगे, तब जाके किताब कोई राइटर बनाता है, लेकिन उस 150 वाली किताब के अंदर उस इंसान के 10 से 12 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो 150 रुपए में एक्सपीरियंस मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5,000 देखो ना, ये 5,000 नहीं है, इसके पीछे मेरे 7 सालों का अनुभव, हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस है। जैसे हम इंडस्ट्री में काम करते, बिजनेस में काम करते, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी वैल्यू भी बढ़ती है, उसी प्रकार ये नॉलेज आपने लिया ना, आपको बाद में लेने की जरूरत ही नहीं किसी को। एग्जाम्पल, कोई बंदा आया, वो आपको रेकी सिखाना चाहता है, आपको लेगा 15,000, आपको पता है ना, क्यों जाओगे आप? कोई आया बंदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाना चाहता है, क्यों जाओगे उसके पास? कोई आया मेमोरी पावर सिखाना चाहता है, क्यों जाओगे उसके पास? वो 20,000 रुपए चार्ज ले रहा है। और फ्रेंड्स, ये सभी चीजें आपको आज ही 5,000 में मिल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, ये करने के बाद मेरे पास बोलो, बच्चे को मैं लाइफ टाइम सिखाता हूं। एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने ये कोर्स किया, 2.5 साल हो गए, अभी ये वीडियो काफी दिनों का है, यानी अभी तो मैं बोल रहा हूँ 3.5 साल हो गए हैं, ये काफी पुराना वीडियो है, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों में ये बदलाव देखा ना, आज अभी वो मेडिटेशन करता है 1 घंटा। ओके, उनके पापा, उनके मम्मी, उनके छोटे भाई है केदार, ये स्टूडेंट है, इस बच्चों ने ये सीख के अपने जीवन में तो सिखाया, अपने जीवन में तो इसने सीखा, लेकिन इस बच्चों ने मुझे 2.5 साल में 150 से भी ज्यादा बच्चे दिए हैं, 150 से ज्यादा। इनके पापा क्या करते पता है? औरंगाबाद के ये केदार के पापा, लाइट बिल होती है ना, लाइट, वो जो मीटर रीडिंग होती है, फोटो निकालते हैं, 6,000 to 8,000 सैलरी, साइकिल के ऊपर आते थे, अभी तो उन्होंने स्कूटी लिया है, लेकिन 3 साल पहले जब वो लाइव सेशन में आते थे साइकिल के ऊपर और सभी चीजें सिखाया, और इतना डेवलपमेंट, चाहते थे कि हमारी जो जिंदगी है, जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है पैसों के, वो सभी हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, ये सभी प्रॉब्लम जो है हम अपने बच्चों को डेवलप करना चाहते, उसके एजुकेशन के लिए, उसमें सीखने के लिए। जब ये कोर्स किया कि मोबाइल पे जो है नेट पे सर्च करते करते कि मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है, आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है 3rd एक्टिवेशन हुआ था। बरो, तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इम्प्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया, ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद,
तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझे उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस नाइज में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। प्रोग्रेस हासिल किया, ग्रेट ग्रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2.5 साल भी हो गए हैं तभी भी जाके ये चीजें कर रहा है, ये सभी चीजें कर रहा है। ओके, किसी के कुछ डाउट्स है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बोलो, आप करना चाहते हैं लेकिन डाउट्स है, हाथ ऊपर कीजिए। अभी भी कुछ क्लैरिटी चाहते हैं पेरेंट्स है। ओके, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको स्क्रीनशॉट भेजना है। ओप्पो A31 है, यस सर बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर, एक मैसेज आएगा मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का, प्लीज अनम्यूट, यस अनम्यूट कीजिए सर। कहाँ गया, आई डोंट नो, गैलेक्सी A31। ओके, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी साउंड? या किसी के कुछ डाउट्स है क्वेरीज है हाथ ऊपर कीजिए, सो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, क्या है कि काफी लोग है ना ये गायब हो जाता है बीच में। यस सर, मारुति सर है, यस हाँ आपके पास आते हैं राकेश सर, या हेलो सर, हाँ बोलिए सर, नमस्ते। बोला माफ, हेलो सर, मारुति बोल रहा हूँ मैं। ओके, आप महाराष्ट्र से है सर? हाँ महाराष्ट्र से मैं। ओके ओके, मुंबई मराठी बोलू शकतो मी, औरंगाबादचा आहे। हां या या सर, मी तुम्हाला फोन लावला होता या सेशनच्या आधी। हां यस यस यस, 7 वर्षाचा आहे। ओके, तो बोलू शकत नाही म्हणजे काही मम्मा पप्पा शब्द बोलतोय, तर तो हे सगळं अटेंड करू शकतो का आम्हाला? करेल ना, हे बघा मी मनी बॅक गॅरंटी याच्यासाठी देतोय की एखादा मुलगा नाही करू शकला तर मी त्याचे रिटर्न पण देणार। मी 3 लोकांच्या आतापर्यंत पैसे वापस दिले, सभी को हिंदी में बता रहा हूँ, 3 बच्चों को मैंने वापस पैसे दिए, वो कुछ ऐसे थे कि वो नहीं कर पा रहे थे इस चीज को, उनको नहीं आ रहा था, सो मनी बैक गारंटी में लेना। मला पैसे परत नको, असा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, लेकिन मी रिझल्ट 100% देता हूँ। दुसरी गोष्ट अशी आहे की माझी मुलगी आहे ती 17.5 वर्षाची आहे, उनको आएगा, उनको आएगा, ठीक आहे, 17.5 आहे तो बेटी आहे तो आएगा, जरूर आएगा। मी आणि पेमेंट केलंय तुम्हाला, 4,900 पेमेंट केलंय का? थँक्यू थँक्यू थँक्यू। गुगल पे केलंय, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए सर कोर्स में तभी जाके दूंगा, पाठवला मी तुम्हाला व्हाट्सअप। चले, थैंक यू करिए सर, पॉजिटिव रहिए। ये देखिए, कोई भी चीज करते समय हमेशा सकारात्मक देखिए, पॉजिटिव देखिए, मुझे आएगा। लेकिन प्रयत्न करने के बाद नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसका, रिस्क मैं लेता हूँ, लेकिन पॉजिटिव रहिए कि मुझे आने वाला है। ऐसे आगे से माइंड सेट करो, माइंड ये बहुत पावरफुल है। पहले से बोलोगे नहीं आएगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा वो चीज, ठीक है, माइंड सेट रखिए पॉजिटिव। हाँ यस सर, सत्य नारायण सर बोलना चाहते हैं, यस सर बोलिए। यस, आवाज नहीं आ रही है सर, प्लीज आप थोड़ा सा ईयरफोन माइक चेक कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस यस सर, आ रही है, हाँ बोलिए। उम्र जो है 25 साल है बच्चे, 25 है क्या सर? हाँ मैं ओके, एट एज ऑफ मैंने 25 साल को ही जाना था सर, मेरी भी एज 25 साल थी जब मैंने इस कंसेप्ट को सीखा था। बट मेरे पास ऐसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स लिया, उनका एज समथिंग 22-23 साल है, आज यहाँ पे भी है। राम राम सर है आप? राम राम सर, हाथ ऊपर करिए, राम राम सर। ओके, वो सुन रहे इस वेबिनार को, रोज सुनते, उन्होंने कोर्स लिया है। ओके ग्रेट, अभी है तो आज, हाँ अच्छा, एक बच्चे की 22 साल है। मैं बताऊं सर, आंखें बंद करके दिखने का गारंटी नहीं दूंगा, आई डोंट नो कि कब दिखे देगा क्या होगा, दोनों में से एक की गारंटी में ले सकता, दोनों अच्छा। में से एक को दिखेगा, लेकिन वो समय भी लग सकता है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो विचारों की प्रमाण बढ़ता है, विचार बढ़ता है ना, तो पहला चीज है मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता, पहला बड़ी बात है। दूसरा है कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी ना वो इम्प्रॉपरली नहीं आती। यहाँ पे बच्चों को दिखता कैसा है पता है? विचार शून्य है, विचार शून्य। अभी अभी मेडिटेशन करोगे ना तो उस समय पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, यानी उस स्टेज में कोई बोलेगा नहीं आपको, आप शांत हो, रिलैक्स एक जगह पे हो। लेकिन यहाँ पे आप आंखों पे पट्टी बांधोगे ना, बच्चों को बेटा ये बुक लो हाथ में पढ़ो, उसे क्या दिख रहा है बच्चा बोलो क्या दिख रहा है, अभी इतना सुनेगा वो, उस पर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो थोड़ा सा टफ है।
तो वो किनको आता है जो 16-15 साल के कम है, जहां पे उनके विकार कम होते हैं बच्चों के, उनका माइंड काफी हाई स्टेट ऑफ ग्रास्पिंग होता है, या फिर विचार शून्य होना उनको आ जाता है, वो प्रैक्टिस करके आ जाता है। रेकी वगैरह तो आ जाएगी उनको, आ जाएगा उसको। मैं बताऊं, ये प्रोग्राम करने के बाद आपकी मेमोरी बढ़ेगी, ये प्रोग्राम बढ़ने के बाद उसका जो मेडिटेशन का आदत है से, वो कभी नकारात्मक चीजों से नहीं जाएगा, पॉजिटिव चीजें रहेगी। लेकिन पहला वो करने से पहले सर, उनका क्या इंटरेस्ट है वो पहले, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ बच्चे को पूछिए, ऐसा मत कीजिए कि आप करोगे क्या, ये 30 डेज को करोगे क्या, मुझे एक वादा कीजिए सर, ये जो जो फीस जमा होने के बाद में, ये 30 डेज का है क्या फीस? हाँ 30 डेज करेगा, जो एक्सरसाइज रहेगी वीडियो के साथ रहेगा, डेली 1 घंटे का वीडियो, 15 मिनट का सुबह में मेडिटेशन, और डेली 1 घंटे का रहेगा। हाँ लेकिन आप चाहते हो, लेकिन बच्चा 15 के बाद खुद चाहता है क्या करना, नहीं तो क्या होगा, आप तो चाहते हो लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं देखूंगा वो सब, पापा मुझे मत बताओ, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, बच्चा कह रहा देख लूंगा कर लूंगा। यस यस, तो इसमें फीस पाएगा है, रिकी कर पाएगा। हाँ बोलिए, हमने एक बच्चे की जमा कराई, दोनों बच्चे अलग अलग करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हाँ सभी को बताओ, एक ही फीस में 2 बच्चे है 3 बच्चे सभी को मिलेगा, फैमिली को मिलेगा, वो फैमिली प्रोग्राम है, ठीक है, सभी को फायदा है, अलग अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सभी एक है। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? ओके, अभी हम काफी टाइम हुआ है, ओके अभी हाँ मोहनदास सर है, मोहनदास सर बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट, मोहनदास सर है बोलिए। हेलो सर, मैं 12th में हूँ रिसेंटली। यस यस सर, ये जो आपने मिड ब्रेन का जो बोला है आपने, जो मेमोरी पावर जो कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है क्या वो? यस सर, बढ़ेगा बेटा। हाँ अभी कैसे बढ़ेगा, दो चीज तीन चीजों से बढ़ता है वो। पहला मेडिटेशन हम यह जो ले रहे हैं ना वो अलग के है, यानी अलग यानी नॉर्मल हम जो मेडिटेट करते वो नहीं है, ये 3rd eye के यानी आज्ञा चक्रास के, और वो स्पेशली डिजाइन। अभी आप गूगल थोड़ा सर्च करोगे ना, टाइप करो आज्ञा चक्र, सभी को बोल रहा हूँ आज गूगल पे जाओ, आज्ञा चक्र टाइप करो, आज्ञा चक्र का डेफिनेशन पढ़ो, आज्ञा चक्र का विकिपीडिया में पढ़ो, 4 पावर आज्ञा चक्र के अंदर है, ये चक्र के अंदर 4 पावर। पहला है मेमोरी आपको मिलेगा, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है इंट्यूशंस, इंट्यूशन यानी 6th sense, यानी सामने वाले माइंड को रीड करना है, या फिर पहले होने वाली चीजें पहले से पता होना है वो आता है, और लास्ट है विजुअलाइजेशन कल्पना। ये 4 पावर डेवलप होगी, वो मतलब होगी मेडिटेशन कर, मेमोरी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन, और रेकी सीखने के बाद हेल्थ अच्छी रहेगी, चश्मा नहीं लगेगा, ये चीजें मिलेगी आपको, ठीक है, NLP से मन शांत रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नींद कंट्रोल आएगी, ये चीजें रहेगा ऐसा, ठीक है, आप कर सकते हो। 12th के है मेरे, और सर जब मैं पढ़ाई करता, हाँ ओके अनम्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए सर, हाँ बोलो अभी। हेलो सर, हाँ बोलिए। जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, जो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है सर जब पढ़ा, वो उसको कैसे कम करो सर? मेरा ऐसा दावा है, अगर आप चक्रास को बैलेंस रखते हो, हमारे जो सर्किट्स है वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और एक मैं सभी को एक बता दूं, एक जीवन में एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटर बहुत काम करता है, यानी जीवन में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। एक जिसे कहो ना धाक नहीं होता है, विदाउट धाक प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी आपके पास कोई ये नहीं ना, यानी धाक आप समझते मराठी शब्द है, यानी कोई तो भी बताने वाला, गाइड करने वाला, कोई ना कोई तो भी चाहिए जीवन में, और एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, और वो है तो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यानी मेरे जीवन में मेरे जो गुरुज है, मेंटर्स है, उनके साथ में जब बैठता हूँ, चीजें शेयर करता हूँ, तो हमेशा मुझे वो गाइड करते। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ इसमें, हर बच्चे इकट्ठा आते हैं, अगर बच्चे ने मेडिटेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, चल बोलो क्यों नहीं किया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ता है, और सभी को बोलता हूँ मैं, तूने नहीं किया ना, सभी को प्रॉमिस कर करना है, तो ये होती है वहां पे चीज, ठीक है, ये होता है। यस, ओपो A53 बोलना चाहते हैं सर, बोलिए, आप कर सकते हैं, ठीक है मोहनदास सर। सर हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए आवाज आ रही है। आपको 4999 पे पे कर रहा हूँ सर, अभी कीजिए कीजिए सर, वेलकम आपके हमारे, आपका वो स्किन सर, आपका वो व्हाट्सएप में भेज दूंगा ना सर। हाँ नाम भेजिए आपके बच्चे का, एज भेजिए। अभी राकेश मोहन बोलना चाहते सर काफी देर से, बोलिए सर, बोलिए राकेश सर बोलना चाहते हैं। यस सर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, अच्छा आपके बच्चे को सुनाई दे देता है वो, एक है सर आप नहीं, लड़की भी है मेरा,
लड़की भी है ना, हाँ कितना एज है उनका? नहीं नहीं मेरा बच्चा को नहीं, मेरा लड़का का तो सुनाई नहीं देता मगर लड़की लड़की सुनाई देता है, 7 साल का लड़की। अरे वाह वेरी नाइस है, वेरी गुड। लड़का को कर सकते, कर सकते लड़का को थोड़ा थोड़ा सुनाई, मतलब हेडफोन में सुनाई देता है लड़का को एक कान से। ठीक है ठीक है, अच्छा फिर वो कर सकता है सर, कर सकता है, ये थोड़ा थोड़ा आता है क्या सुनना? थोड़ा थोड़ा आता है। मैं गाइड करूंगा, 80 मेगाहर्ट्ज देता है। ओके ओके, मैं आपको गाइड करूंगा जी सर, थैंक यू। और पेमेंट हो गया तो वो ये तो मुझे कंफर्म मिले, चलो थैंक यू। रुकिए सर, मैं सभी को बता रहा हूँ। यस उर्मिला मैम है, बताना चाहते हैं। यस मैम बोलिए, यस अनम्यूट कीजिए। सर मला पण घ्यायचंय माझ्या मुलासाठी। किती वर्ष आहे वय? त्याचं आता 15 चालू आहे सर। अच्छा, मला सांगायचं एवढं म्हणजे 15 येईल गुगल पे नाहीये सर, फोन पे, तर त्याच्यामुळे मग तुम्हाला केव्हाचा ट्राय करते बोलायचं। फोन पे गुगल पे नाही का तुमच्याकडे? नाही। अच्छा, नेट बँकिंग युज करतात तुम्ही? इंटरनेट बँकिंग जसं योनो ऍप असं काही? सर हे सगळं झालं की मी तुमच्याशी कॉल करून बोलू। बरं बरं, चालेल चालेल, ओके ओके ठीक आहे, चालेल। हा कॉल करा मला, ओके आता केलं तरी चालेल, माझा टीम आहे, ओके त्यांना फोन केलं तरी चालेल, आता तुम्ही बोलू शकता। ठीक आहे, अनम्यूट करतोय, काय म्हणताय? मला आवाज नाही येत। बोला। हा बोला। ते एनएलपी आणि ते काय रेखी वगैरे नाही का, ते एकदा सांगा ना सर। एनएलपी सभी को बता रहा हूँ, एनएलपी ये जो सायन्स है, न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज यानी उसकी भाषा, और प्रोग्रामिंग मीन्स टू प्रोग्रामिंग। ये करने के बाद बच्चे के अंदर जैसे गुस्सा करना है, टीवी देखना है, बच्चे दोनों भाई बहन झगड़ा करते हैं, ये जो नकारात्मक चीज है यानी विकार में कहता हूं उसे, विकार जैसे टीवी देखना ये हमारा एडिक्शन है, या फिर गुस्सा है वो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर, ये विकार है, ये विकार से प्रॉब्लम आते हैं। तो ये आंखें बंद करके उसको देख सकते हैं, एक लैंग्वेज होती है उसको देखने के लिए, यानी हमारे प्रॉब्लम जो है थर्ड आई वो हमें दिखाता है, हमारे इंट्यूशन, हमारा अंतरात्मा हमें दिखाता है। जैसे आंखें बंद करके मैं बोलू गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो यहाँ पे हमें लाल लाल कलर दिखा देता है बच्चों को, और हमें भी देख सकता हूँ। अभी क्या करते हैं हम, इसको निकालते हैं, निकालने का एक टेक्निक होता है, बाद में हम टेप लगाते हैं उसको, एक प्रोसेस होता है, वो कुछ मंत्रास होते हैं वो बताते हैं। बाद में ये प्रोसेस करने के बाद बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, यस गुस्सा नहीं आएगा। अभी बच्चों का आपको वो निकाला, अभी टीवी का एडिक्शन है उसे निकालते हैं। अभी एग्जांपल, बच्चे की मेमोरी को बढ़ाना है आपको, मेमोरी को बढ़ाना है, वो कैसे होगा? आंखें बंद करके बच्चे आंखें बंद करके बोलते हैं मेमोरी मेमोरी मेमोरी, मेमोरी को बोलते समय उनको पूरा ब्रेन विजुअलाइज होता है, ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को देखते हैं, उसमें हम एनर्जी डालते हैं कॉस्मिक एनर्जी। जब वो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा डालेंगे वो पूरा ब्रेन ब्लू ब्लू दिखेगा, और जब वो बोलेगा शब्द मेरी मेमोरी बहुत बढ़ रही है, मेरी मेमोरी बहुत बढ़ रही है, ये बोलने के बाद जब वो पढ़ाई करेंगे ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ाई कर, वो खुद के खुद जाके पढ़ाई करेगा। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला, पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूं, उसकी पावर मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो थैंक यू सर, बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं, मम्मा आप काम करो मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए, शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम, मोबाइल टीवी कम हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए, और कैसे? अरे आपको बहुत पसंद आया, पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके वेरी गुड, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की, और यानी बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम एनर्जी की हेल्प लेते हैं, रीखी में लेते हैं या फिर एनएलपी में लेते हैं,
रेकि से हम बीमारी भी वैसे कर रहे थे ठीक करते, ये भाषा होती है, लैंग्वेज होती है मन। यस मैम, ध्रुव के मैम बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। यस बोलिए मैम। हाँ हाँ एक्चुअली मैं ना मैं गूगल पे यूज नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, तो वो अभी कहीं गए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। चलेगा 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 ना सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके ओके चलेगा। आपका बच्चे का एज कितना है मैम? सर 8 ईयर ओल्ड है। 8 है, वेरी गुड। ओके मैं सभी को अनाउंस कर, एक्चुअली मैं ना बोलिए बोलिए। वो है ना वो सिंसियर है, मस्ती भी नहीं करता है, उसको जैसे बोलते हैं वो मानता है, ना मोबाइल यूज करता है वो, ना टीवी यूज करता है इतनी, उसको मतलब एक टाइम लिमिट होती है हर चीज की। तो सर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, वो वैसे ही सिंसियर है, वो बहुत कम बात करता है। वो तो और भी अच्छा डेवलप होगा। सभी को यहाँ पे बता दूं, जो बच्चे 6-5 साल से लेके 12 साल तक है, 12 साल तक है, उनके बच्चे का जो रिजल्ट है एक्टिवेशन का 3 से 4 दिनों में आता है। कितना? 3 से 4 दिनों में आता है। आंखें बंद करके काफी क्लियर दिखता है, काफी। यानी आप अगर YouTube पे जाओगे ना मेरे, वहां पे मैंने उन बच्चों का इंटरव्यू लिया है जिनको पहले दिन दूसरे दिन दिखा है, ऐसे काफी बच्चे मिलेंगे YouTube पे। और वो उनका बेज देखो ज्यादातर कितना है, 8 से लेके 12। और जो बच्चे 13-14-15 है ना, उनको दिखने के लिए 7 से 10 दिन लगते हैं, ठीक है। ऐसा सभी को बता रहा हूँ, अभी आपको समय काफी हुआ है, यकीन करो। ओके, क्योंकि ये ऑफर बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का मैं बनाना, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें एडवांस में मैं रेकी सिखाने वाला हूँ, एनएलपी सिखा रहा हूँ, और ये तो आज आपको ये सभी मिल रहा है, ठीक है। और जितने भी बड़े लोग हैं जिन्हें टीचर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, दे कैन कॉल मी पर्सनली, जो मैं आपको ये सभी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाऊंगा, और आप अपनी सिटी में ये शुरू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक दुआ देने वाला, यानी ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे आपको मजा भी आता है। देखो कितना टाइम हुआ, ऐसा लगता है मैं रात भर आपको ऐसे बोलूं, लेकिन जहाँ पे हमें काम करने का मजा भी आता है, दुआ भी मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन हम करते हैं, यानी एक टीचर होता है जो गुरु होता है। यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, पता है क्यों? ये सिखाने के लिए, क्योंकि लोग मेडिटेशन नहीं करते, उनको अनुभव नहीं आता एनर्जी का, और जिन्होंने अनुभव लिया है ना वो बहुत अच्छा लोगों को सिखाते हैं। हमारे काफी सारे मैंने टीचर्स को इंडिया में क्रिएट किया है, जो रोग रेखी का उनका हीलिंग सेंटर है, या कोई अबकस सिखाता है, कोई स्कूल्स में टीचर है, अभी काम नहीं है तो कुछ जॉब, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जैसे मैंने मैंने जब इसको सिखाया था, मेरा बीटेक हुआ था, जॉब कर रहा था, लेकिन ये चीज सीख के मैं जितना उधर कमा रहा था कई गुना ज्यादा यहाँ पे भी कमा रहा हूँ। आई थिंक कि मेरे पास अभी फोन नहीं है, मेरे टीम ने लिया है। कितने एडमिशन हुए गणेश? लगभग ओके। सो गणेश बता रहा है कि अभी तक लोगों ने जो पे किए है, 18 लोगों ने, 18 पीपल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए है। तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके कि ये चीजें आप सिखाओगे तो लोग सीखने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हर बच्चे घर के अंदर बच्चे है। तो एज अ टीचर ट्रेनिंग आप मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। किसी के कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं वो मुझे अभी पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, बैंक डिटेल्स है, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको बच्चों को फिर कल से स्टार्ट करो। ओके, कुछ भी डाउट्स रहा, कुछ भी क्वेरीज रहा, मुझे फोन भी कर सकते हो इसी नंबर पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कुछ डाउट्स या क्वेरीज है मुझे पर्सनली कॉल करी, क्योंकि काफी समय हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो डेली मोबाइल पे लगे रहते थे या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो भी दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा थे। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी फोन से भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा लिए है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर।
ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, लेकिन सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता था। आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? अच्छा यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताओ, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोज में वो मैंने बनाया, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था डे वन का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाओ क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था, यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके उनको वो उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाओ का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए, और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, ये कितना जबरदस्त बन गया है, ओके वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था, रात को मैं 2-2, 2:30 बजे वो एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। अरे हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए, यस 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 बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर, यस 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 हर एक बच्चे को डालना, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा, यस यस तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता पता चलेगा, करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा, यस 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 डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए, इस नंबर पे कॉल करिए।
पूछे, इस नंबर पे कॉल करिए।